हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से जल्दी से एक बार प्लीज साउंड एंड वीडियो को कंफर्म करो। नो साउंड एंड नो वीडियो। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बच्चे, फिर नो साउंड एंड नो वीडियो। ओके, गुड मॉर्निंग सैम, प्रत्युष जी गुड मॉर्निंग, ऑल ओके? ठीक है, तो साउंड और वीडियो क्लियर है? साउंड एंड वीडियो बच्चे क्लियर है? प्रत्युष जी कह रहे हैं ऑल ओके। प्लीज एक बार फिर मुझे जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या साउंड एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है? देयर आफ्टर, जब हमने कल की क्लास में जब हमने कारों को स्टार्ट किया था तो लास्ट के 5 या 10 मिनट में कुछ बफरिंग का इश्यू हो गया था, तो मैं बिल्कुल फ्रेश ये टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा। कल जितना भी मैंने 5-10 मिनट के लिए कारों की बातें क्लास में की थी बच्चे, प्लीज आप उन सबको इग्नोर कर देना। बात करते हैं कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। टॉपिक है आज का हमारा कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। शॉर्ट में अगर मैं इनके इनिशियल्स लूं CARO तो ये बन जाता है कारो 2016। हमने 143 के अंदर देखा जाए टोटल 15 सबसेक्शन टोटल हमें डिस्कस करने होते हैं। इसमें केवल सबसेक्शन 11 को अगर मैं छोड़ूं, सबसेक्शन 11 को अगर मैं छोड़ता हूं, तो अभी तक हम सारे सबसेक्शंस क्लास के अंदर बच्चे कवर कर चुके हैं। सबसेक्शन 1 में पहले तो अब मैंने 3 राइट आपके डिस्कस किए थे और फिर 6 प्रोप्राइटी मैटर पर इंक्वायरी करनी होती है, वो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। हालांकि इंक्वायरी की रिपोर्टिंग की बातों को लेकर 143 सबसेक्शन 1 साइलेंट था, तो वहां पर ICAI की रिसर्च कमेटी ने कहा था कि इंक्वायरी करके कमेंट अगर आपका पॉजिटिव दैट इज फेवरेबल है तो आप रिपोर्ट में लेके मत आइए, लेकिन इंक्वायरी करके अगर कमेंट आपका एक मॉडिफाइड कमेंट बनता है, एडवर्स कमेंट बनता है, एक अनफेवरेबल कमेंट बनता है, तो प्रॉपर रीजन के साथ फिर वो कमेंट मेरा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएगा। 143 सबसेक्शन 2 में मेरी ड्यूटी थी कंपनी के मेंबर को रिपोर्टिंग करने की। जो रिपोर्टिंग मेरी होगी, दैट इज जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट होगी, एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होगी, और जो जो मैटर कंपनी एक्ट मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहता है मुझे उन मैटर्स को रिपोर्ट करना होगा। मुझे ओपिनियन देनी होगी ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। 143 सबसेक्शन 3 के रेफरेंस से हमने टोटल 9+3 12 मैटर डिस्कस किए थे। एग्जाम में इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पॉसिबल होगा। सबसेक्शन 4 में अगर हम आते हैं तो सबसेक्शन 4 में SS देखा जाए तो अपनी खुद की कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उसने यही कहा कि आप सबसेक्शन 1 की रिपोर्टिंग करते हो सपोज इंक्वायरी वाली ICAI की रिसर्च कमेटी के बेस पर, या आप सबसेक्शन 2 में रिपोर्टिंग करते हो ओपिनियन की, सबसेक्शन 3 में आप मैटर की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो कुछ भी आपका अगर एडवर्स कमेंट बनता है, मॉडिफाइड कमेंट बनता है, उसका रीजन भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। फिर 143 सबसेक्शन 5, 6 और 7, इन तीनों को हमेशा एक साथ लेके चलना। हमने यहां पर कुछ CAG के राइट डिस्कस किए थे विद रेस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सबसेक्शन 8 में हमने ब्रांच ऑडिट के रेफरेंस से बात की थी। सबसेक्शन 9 में आपकी ड्यूटी थी ऑडिटर, आपको जो ऑडिट करनी होगी एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करनी होगी। फिर बताया कि सर ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का मतलब क्या था, वो 143 सबसेक्शन 10 में बताया गया था। 12 से लेकर 15 तक यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है उसके प्रोविजन वहां पर शामिल थे। सबसेक्शन 11 की केवल हमारा आज एक ड्यूटी बची हुई है, आज की क्लास में आई थिंक खत्म पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा बिकॉज इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी लेंदी है। टोटल 16 मैटर मुझे यहां पर रिपोर्ट करने होते हैं और उन मैटर में क्या क्या एग्जाम में केस स्टडी पॉसिबल हो सकती है वो सारी बातें मुझे डिटेल डिस्कस करनी है। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम ये टॉपिक को अपना कंप्लीट कर पाएंगे। देयर आफ्टर सेक्शन 147 बचता है आपका पेनल्टी को लेकर, और फाइनली फिर 148 की बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट को लेकर, तब अल्टीमेटली हमारा ये चैप्टर कंपनी ऑडिट अपना खत्म हो जाएगा। बात करते हैं सर ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। इसमें बेसिकली पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज कारो,
सबसे पहला टॉपिक मैं यही डिस्कस करूंगा इसके अंदर कि बेसिकली कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर ये होता क्या है। फिर डिस्कस करूंगा बच्चे मैं आपसे इसकी एप्लीकेबिलिटी, ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब कि ये सारी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। जिस कंपनी में ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा वहां पर आपकी ड्यूटी आएगी, और जिस कंपनी में ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है फिर वहां पर आपकी कोई ड्यूटी की रिपोर्टिंग नहीं बनती। तो डिस्कस करेंगे पहले कि ये ऑर्डर बेसिकली है क्या, फिर डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर किस किस क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, कहां ये एप्लीकेबल नहीं है, और फाइनली फिर डिस्कस करेंगे मैटर्स कवर्ड अंडर दिस ऑर्डर, कवर्ड अंडर दिस ऑर्डर विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय कंपनीज ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट, कि वो कौन कौन से मैटर हैं जो कि इस ऑर्डर में बताए गए हैं कि अगर कंपनी पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल हुआ तो कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है उन मैटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने का। एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर जो देखा जाए तो इंटर और फाइनल दोनों ही लेवल पर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब ओल्ड सिलेबस था, जैसे अब तो एक अटेम्प्ट और दे दिया आईसीएआर ने, यहां पर ओल्ड सिलेबस के अंदर मोस्टली मैंने ये देखा था कि कारों पे जो क्वेश्चन आया करते थे, ओल्ड सिलेबस की बच्चे में बात कर रहा हूं अभी, वो भी केवल इंटर की नॉट फाइनल, तो वहां पे जो क्वेश्चन बनते थे वो मोस्टली बनते थे कारों की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, या तो करेक्ट और इनकरेक्ट बन जाता था, या फिर कोई छोटी सी एक केस स्टडी कि कुछ फैक्ट आपके सामने होंगे और आपको ये बताना है उन फैक्ट के बेस पर कि क्या इस कंपनी पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल है या ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीए इंटर लेवल पे, जब ये न्यू सिलेबस आया तो न्यू सिलेबस के अंदर ये आपसे मैटर लिखवा लेता है, मतलब टोटल इसके अंदर 16 मैटर है, कारो 16 में कितने मैटर, कारो 16 में 16 मैटर। सर कारो 20 आया था तो क्या उसमें 20 मैटर हैं? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये केवल मैं याद करने का आपको फड्डा, एक तरीका मैं आपको दे रहा हूं कि कारो 16 में कितने मैटर रिपोर्ट करने होते हैं, तो कारो 16 में 16 मैटर है। एग्जाम में आपसे कोई भी दो मैटर, मैं इंटर लेवल की बेटा बात कर रहा हूं, न्यू सिलेबस के अंदर दो दो नंबर में कोई भी दो मैटर आपसे लिखवा सकता है, डेट इज ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में चार नंबर का बन सकता है। और इतना लेके चलिए कि इंटर लेवल पे न्यू सिलेबस की बात करें तो एग्जाम में कारों पर क्वेश्चन पक्का 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 बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, लिख लीजिए इस बात को। तो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर या तो एप्लीकेबिलिटी, या क्वेश्चन बन जाएगा सीधे आपके मैटर की रिपोर्टिंग को लेकर। फाइनल में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, और जनरली फाइनल में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आते हैं, कि आपके सामने एक केस प्रेजेंट कर रखा होगा और आपको बताना है कि इस प्रेजेंट केस के बेस पर कारों के अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बनेगी। इंटर लेवल पर कारों के अंदर मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बट आने को बेटा कुछ भी आ सकता है। तो जिस भी कारों के किसी भी मैटर पर मुझे लगता है कि हाँ इसके ऊपर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबल होगा, मैं वहां पे आपको मार्क करता हुआ चलूंगा, अदरवाइज ये 16 के 16 मैटर तो आपको याद करने हैं। इससे पहले हमने 143 सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए से लेकर क्लॉज एफ तक टोटल 6 मैटर याद किए थे, और याद करने का कोड भी मैंने आपको ए बी सी डी ई एफ दिया था, उम्मीद कर रहा हूं नालायक को अभी तक याद होगा। फिर 143 सबसेक्शन 3 में आए थे, वहां पे टोटल 9+3 टोटल 12 मैटर की हमने रिपोर्टिंग को देखा था, 9 मैटर वहां पर एक्ट से आ रहे थे और 3 मैटर रूल 11 के रेफरेंस से आ रहे थे। अब यहां पर 16 मैटर और आपका इंतजार कर रहे हैं। सर इतने सारे मैटर रिपोर्ट होते हैं, 143 सबसेक्शन 1 मैंने कहा था रेयरली आपको ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सबसेक्शन 1 में जो इंक्वायरी वाले पॉइंट थे कि इंक्वायरी करा, कुछ मॉडिफाइड कमेंट बना तो वो ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, ऐसा मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में आते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन अब 143 सबसेक्शन 3 ये हर एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। सर क्या कारों के मैटर भी मुझे हर एक कंपनी में देखने को मिलेंगे? आंसर इज नो। अगर कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है तो कारों की रिपोर्टिंग आपको ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिलेगी, बट अगर कंपनी पे कारों एप्लीकेबल नहीं है तब उस केस में कारों के मैटर की रिपोर्टिंग आपको अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट आप देखेंगे उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए तो अब एक एक करके ये प्रोविजन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि व्हाट इज कारो, ये बेसिकली कारो है क्या। देयर आफ्टर
बात करेंगे कारों की एप्लीकेबिलिटी, ये बहुत डिटेल डिस्कस करूंगा एग्जाम में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर कारों की एप्लीकेबिलिटी पर पॉसिबल है, इंटर में भी या बेटा फाइनल में भी अगर आप देखोगे तो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर फाइनली बात करेंगे कौन कौन से मैटर हैं जो कि कारों के अंदर कवर हैं, कि अगर कंपनी पे कारो एप्लीकेबल हुआ तो फिर कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है उन मैटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना। पहले बात करते हैं व्हाट इज कारो, व्हाट इज कारो, व्हाट इज कारो 2016। नोटिंग कुछ नहीं करनी है, ऑलरेडी मैंने आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, पूरा फोकस केवल समझने पर, कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर लगा देना सर। तो फिर एग्जाम के लिए 143 सबसेक्शन 3 और कारो ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। 143 सबसेक्शन 3 इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो आने को कुछ भी आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन 143 सबसेक्शन 3 में अभी तक केवल एक या दो बार ही क्वेश्चन एग्जाम में लगा हुआ है, और कारो की बात करें तो गिनती नहीं है इतनी बार कारो के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ है। तो जब एग्जाम से पहले काली रात होती है जिस टाइम पर आपको सारी चीजें रिवाइज करनी होती हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप देंगे, इनकेस आपका टाइम शॉर्ट है, सर टाइम तो हमेशा शॉर्ट ही रहता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप देंगे वो हमेशा कारों को आप देना, कारों पर क्वेश्चन में लिख के ले लो बेटा, आप मुझसे लिख लो कि कारों पर क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। और 143 सबसेक्शन 3 की बात करो तो मैं बोलूंगा 5% चांस है कि बस एग्जाम में आ सकता है, 95% में कहूंगा शायद एग्जाम में आए ना, लेकिन कारों की बात करता हूं तो हाँ 100% वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। 143 सबसेक्शन 1 भी आपसे एग्जाम में इंक्वायरी किस किस मैटर पे करनी होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है। व्हाट इज कारो 2016, कारो 16 बेसिकली है क्या, ध्यान से देखिए, नाम है इसका कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016, कारो दैट इज कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 इज बेसिकली एन ऑर्डर। ये कारो 16 है क्या, तो कारो 16 बेसिकली एक ऑर्डर है, नाम में क्या लिखा हुआ बच्चे ध्यान से पढ़ो आप, इसके नाम में ही क्या है, ये एक ऑर्डर है, कोई रूल नहीं है, ये बेसिकली एक ऑर्डर है। अब अगर ये ऑर्डर है तो जाहिर सी बात है बेटा ऑर्डर किसी ना किसी ने दिया होगा, अगर ये एक ऑर्डर है तो किसी ना किसी अथॉरिटी ने ये ऑर्डर तो पास किया होगा। तो बात करते हैं कि अगर सर ये कारो दैट इज कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 अगर ये एक ऑर्डर है तो फिर ये ऑर्डर पास किसने किया, इज बेसिकली एन ऑर्डर पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कारो 16 इज बेसिकली एन ऑर्डर पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा ऑर्डर पास करने की पावर कहां से आई, अगर आप लिंक कर सकते हो तो देखो हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था कि मैनर ऑफ रोटेशन 139 सबसेक्शन 2 में, और वहां पे हमने रूल नंबर सिक्स के रेफरेंस से देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मैनर ऑफ रोटेशन को प्रेस्क्राइब कर रखा था कि कैसे कंपनी के अंदर ऑडिटर जो होगा वो रोटेट किया जाएगा, वो मैनर को प्रेस्क्राइब किया था, वो प्रेस्क्राइब किया था रूल नंबर 6 के जरिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के जरिए मैनर ऑफ रोटेशन प्रेस्क्राइब कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार किसने दिया था, तो वहां पे एक सेक्शन हमने देखा था, छोटा सा ही था, 139 का सबसेक्शन 4, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के जरिए ऑडिटर का मैनर ऑफ रोटेशन कंपनी के अंदर प्रेस्क्राइब कर सकती है। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल इश्यू करती है, जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करती है, तो बेसिकली कंपनी एक्ट का कोई ना कोई सेक्शन उसको इस बात की अथॉरिटी, उसे इस बात की पावर देता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप ऐसा काम कर सकते हो। तो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 इज बेसिकली एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर पास कौन कर रहा है, सर ये ऑर्डर पास कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा ऑर्डर पास करने की पावर कहां से आई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा ऑर्डर पास करने की पावर कहां से आई, ये पावर आती है 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट
2013। ये पावर इसको 143 का सबसेक्शन 11 देता है। बेसिकली 143 सबसेक्शन 11 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। 143 सबसेक्शन 11 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। पावर किस नेचर की है? पावर किस नेचर की है? डेट डेट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय पासिंग एन ऑर्डर स्पेसिफाई सम एडिशनल मैटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा ये पावर मिल जाती है 143 सबसेक्शन 11 से। देखा जाए तो 143 सबसेक्शन 11 केवल ये दो या तीन लाइन का ही सबसेक्शन है, लेकिन इस सबसेक्शन की पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास कर दिया, तो मोस्टली टाइम जो हमारा लगेगा वो केवल इस ऑर्डर पे लगेगा, इस सबसेक्शन में टाइम नहीं लगने वाला हमारा। आज का सबसेक्शन तो केवल इतना कह के खत्म हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम आपको एक अधिकार देते हैं, हम आपको एक अधिकार देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट खुश हो गई, आहा अधिकार मिल रहा है। बोले क्या अधिकार दे रहे हो आप मेरे को? बोले कि देखिए वैसे तो हमने कंपनी एक्ट में ऑडिटर से ऑलरेडी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ मैटर्स रिपोर्ट करवा रखे थे। रूल 11 के रेफरेंस से भी हमने कुछ और मैटर को प्रेस्क्राइब कर डाला था, लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि ऑडिटर से इन इन मैटर पे और रिपोर्टिंग करवानी चाहिए, दैट इज इन्होंने एक वर्ड यूज करा बेटा एडिशनल मैटर्स। अब इसका लॉजिक समझ लो, एडिशनल मैटर वर्ड यहां पे क्यों लिखा? बिकॉज ऑलरेडी कंपनी एक्ट के अंदर कुछ मैटर्स बताए गए थे जिनको की कंपनी का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर रहा था, और वो मैटर कहां बताए गए थे? 143 सबसेक्शन 3 के अंदर बताए गए थे। सबसेक्शन 2 में तो आप ओपिनियन दे रहे थे और सबसेक्शन 3 में आप मैटर्स की रिपोर्टिंग कर रहे थे, यानी मेरी ऑडिट रिपोर्ट में एक तो हमेशा आएगी ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इन एडिशन टू दैट ओपिनियन द ऑडिटर शैल आल्सो रिपोर्ट दोज मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंगली 143 सबसेक्शन 3 में जो मैटर बताए गए हैं, ऑडिटर ये आपकी ड्यूटी होगी कि इन मैटर्स को आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आएंगे। लेकिन 143 सबसेक्शन 11 ने अब एक अधिकार और दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो हमने तो अपने ऑडिटर से जितनी रिपोर्टिंग करवानी थी वो करवा ली है, अब इनकेस आपको भी लगता है कि कुछ और एडिशनल मैटर पे रिपोर्टिंग करवानी है तो ठीक है आप एक ऑर्डर पास कर देना और उस ऑर्डर के अंदर वो एडिशनल मैटर्स आप बता देना जिन जिन मैटर्स पर आपको कंपनी की ऑडिटर से रिपोर्टिंग करवानी है। अकॉर्डिंगली ऑडिटर उन मैटर पर रिपोर्टिंग कर देगा। तो 143 सबसेक्शन 11 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बायपासिंग एन ऑर्डर स्पेसिफाई सम एडिशनल मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। और अकॉर्डिंगली सीजी ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करा। और यहां पर ध्यान से देखिए तो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर इज बेसिकली एन ऑर्डर जो कि पास करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन परसुएंट ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। और 143 सबसेक्शन 11 ने क्या करा था? उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया था कि आप एक ऑर्डर के जरिए कुछ एडिशनल मैटर्स को आप बता सकते हो जो कि कंपनी का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करेगा। अब बात यह आई कि सर ये जो मैटर ये जो ऑर्डर है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, सुनिए बच्चे इस बात को। बोले सर इसकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह क्या है, किस कंपनी पे ये एप्लीकेबल है, किस कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन से मैटर्स हैं, ये हमें ऑर्डर में कहां देखने को मिलेगा? तो ये जो ऑर्डर पास हुआ था कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, ये जो ऑर्डर पास हुआ था इसमें टोटल 4 पैराग्राफ होते हैं। इसको बेटा पॉइंट को प्लीज ध्यान से आप समझ लेना बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कारो 16 के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, काफी पुराना ऑर्डर हो चुका है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस कंपनी पर एप्लीकेबल है, किस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी जानते होंगे कि इसमें कौन कौन से मैटर्स की रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन मैं काफी कह सकता हूँ कि एश्योरेंस के साथ ये वाली बात कह सकता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली बात कह सकता हूँ कि काफी बच्चों को
कारों के पैराग्राफ के बारे में नहीं पता होता। और एग्जाम में अगर कारों की बात करते हो, जैसे हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट में हम कोई ना कोई बात, एक्ट में अगर कोई बात लिखी हुई है तो एक्ट के किसी न किसी सेक्शन में लिखी होगी ना, ये तो नहीं कि एक्ट में उस वाली बात को हमने कहीं पर भी लिख दिया। एक्ट जो होता है आपका वो चैप्टर्स में डिवाइड होता है, चैप्टर के अंदर क्या आते हैं आपके सेक्शन आ जाते हैं। ऐसे यहां पर क्या है कि जो ऑर्डर है तो ऑर्डर के अंदर कौन सी बात मुझे कहां देखने को मिलेगी, ऑर्डर के अंदर कौन सी बात मुझे कहां देखने को मिलेगी, तो ऑर्डर के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर सेक्शन, ऐसी बातें नहीं होती। ऑर्डर जब भी कोई आएगा वो ऑर्डर हमेशा पैराग्राफ में डिवाइड होता है। तो ऐसे ही जो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर है कारो 16, ये बेसिकली आपका चार पैराग्राफ में डिवाइडेड है, चार पैराग्राफ में, पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री एंड पैरा नंबर फोर। पैरा वन जो डील करता है, पैरा वन वो डील करता है शॉर्ट टाइटल, वो यहां पर ऑर्डर का नाम बताता है। हमने तो देखो ऑर्डर का नाम स्टार्टिंग में देख लिया था, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है इस ऑर्डर का नाम क्या है, ये ऑर्डर का नाम मुझे कहां देखने को मिलेगा, ये ऑर्डर का नाम बेटा आपको इस ऑर्डर के पैरा नंबर वन में देखने को मिलेगा, जहां बताया गया है इस ऑर्डर का टाइटल क्या होगा, कॉल्ड एज शॉर्ट टाइटल। फिर बताया गया है इस ऑर्डर का कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग से ये वाला ऑर्डर आपका एप्लीकेबल है। जैसे मुझे पता है कि जब कंपनी जब 2013 आया था वो फाइनेंशियल ईयर 14-15 से लगा था, कंपनी जब 2013 के प्रोविजंस जो एप्लीकेबल हुए थे, पूरा कंपनी एक्ट एक साथ एप्लीकेबल नहीं हुआ था, सेक्शंस को टुकड़ों में नोटिफाइड किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमेंसमेंट होना शुरू हुआ था सेक्शंस का वो फाइनेंशियल ईयर 14-15 से शुरू हुआ था, और उस टाइम पे कारो 15 आया था, कारो 15 शुरू में, कारो 16 नहीं था, फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए कारो 15 इशू किया गया था। फिर लेकिन एक साल के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कुछ पुराने ऑर्डर में कमियां दिखाई दी और इन्होंने वहां पे पुराना ऑर्डर रिप्लेस कर दिया एक नया ऑर्डर पास करके, और नया ऑर्डर कौन सा है जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा इस कारो 16 को भी रिप्लेस कर दिया था और वो कारो 20 लेके आ गए थे, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से उसकी एप्लीकेबिलिटी को डेफर्ड कर दिया गया था। आईसीआई ने भी बेटा कहा था पहले कि अटेम्प्ट के लिए, जो प्रीवियस अटेम्प्ट गया है हमारा उसमें कारो 20 की बात की गई थी पहले, लेकिन जब देखा कि कारो की 20 की एप्लीकेबिलिटी को एक साल के लिए डेफर कर दिया गया तो उन्होंने भी, आईसीआई ने भी कारो 20 को सिलेबस में अभी नहीं लिया, यानी कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट गया था उसमें भी कारो 16 एप्लीकेबल है, और जो हम नवंबर 21 की बात करेंगे जो अभी हमारा कमिंग अप अटेम्प्ट है, जो दिसंबर अटेम्प्ट है बेसिकली आपका, उसके अंदर भी कारो 16 का ही आपके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कारो 16 ही आपके सिलेबस में है। तो ये ऑर्डर मुझे देखना है कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग के लिए ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। तो 14-15 में तो कारो 15 था, लेकिन 15-16 ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड ऑनवर्ड्स यहां पर कारो 16 की रिपोर्टिंग चल रही है, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग से ये ऑर्डर एप्लीकेबल हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट। तो इसका ऑर्डर का नाम क्या है, किस फाइनेंशियल ईयर से ये ऑर्डर आपका एप्लीकेबल होगा, कमेंसमेंट, और फिर बताया गया है अल्टीमेटली इसकी एप्लीकेबिलिटी कि किस क्लास ऑफ कंपनी पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल है और कौन सी क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी बातें पैरा वन में है। तो पैरा वन में बताया गया है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल तो चलिए आपको पता चल गया क्या है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016, इट इज शॉर्ट टाइटल। अगर मैं कमेंसमेंट की बात करता हूं तो 15-16 से ये ऑर्डर कमेंसमेंट में आ गया था, 15-16 से, 14-15 में कारो 15 एप्लीकेबल था, लेकिन उसको बाद में यहां से रिप्लेस कर दिया गया कारो 16 से, और 15-16 से लेकर अभी तक जो ईयर एंड हुआ है आपका 20-21 तक, वहां पर बेटा कारो 16 की ही रिपोर्टिंग चल रही थी। फिर बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो इसको अभी थोड़ी टाइम के लिए रोकता हूं, पहले एक बार ये चारों पैरा का रेफरेंस की बात कर लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है और कौन सी कंपनी पे एक ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। अभी बस इतना माइंड फ्रेम कर लो अपना कि हर एक क्लास ऑफ कंपनी पर, हर एक क्लास ऑफ कंपनी पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे 143 सबसेक्शन 3 के मैटर थे, वो आपको हर एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि सारे मैटर देखने को मिल जाएं, हो सकता है बेटा कुछ एक आधा मैटर जो कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है वो शायद रिपोर्ट ना हो, लेकिन 143 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस आपको हर एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिलेगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हो और उसमें 143 सबसेक्शन 3 के रेफरेंस से बातें ना हो रही हो, 100% होगा। बट अगर मैं कारो 16 की बात करूं तो क्या हर एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में आपको कारो 16 के मैटर्स देखने को मिलेंगे? आंसर इज नो। अगर कंपनी पे ऑर्डर एप्लीकेबल है तो कारो 16 का रेफरेंस वहां पर होगा, अगर कंपनी पे ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है तो कारो 16 के रेफरेंस से फिर वहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही होगी। तो हमें समझना होगा कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनी पे ऑर्डर एप्लीकेबल है और कौन सी क्लास ऑफ कंपनी पे ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। फिर पैरा 2 में क्या बताया गया है? पैरा 2 में बताया गया है ऑडिटर्स ड्यूटी। पैरा 2 में बताया गया ऑडिटर आपकी ड्यूटी क्या होगी? आपकी ड्यूटी होगी टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स, टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 3 एंड पैरा 4 ऑफ द ऑर्डर। ऑडिटर ये आपकी ड्यूटी होगी कि जो मैटर पैरा 3 में बताए गए इस ऑर्डर के, जो मैटर पैरा 4 में बताए गए हैं इस ऑर्डर के, आपकी ड्यूटी होगी उन मैटर्स पे रिपोर्टिंग करने की। यानी पैरा 1 में बताया गया कि इस ऑर्डर का नाम क्या है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग से ऑर्डर एप्लीकेबल हो रहा है और किस क्लास ऑफ कंपनी पे ऑर्डर एप्लीकेबल हो रहा है, इतनी बातें पैरा 1 में है। फिर पैरा 2 जो बताता है वो ऑडिटर की ड्यूटी फिक्स कर देता है कि ऑडिटर आपकी ड्यूटी ये होगी कि इस ऑर्डर के पैरा 3 में और पैरा 4 में जैसा आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है वैसा आप अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट करेंगे। पैरा 3 में क्या आता है? पैरा 3 में टोटल बताए गए हैं आपको मैटर्स जो आपको रिपोर्ट करने हैं, टोटल 16 मैटर्स हैं, टोटल 16 मैटर हैं। और यहां पर जो क्लॉज नंबर है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इंक्वायरी वाले मैटर थे उनकी क्लॉज नंबर का जो नंबरिंग था, सीक्वेंस था, वो ए बी सी डी ई एफ करके था। 143 सबसेक्शन 3 में भी हमने जो क्लॉज की नंबरिंग देखी थी वो क्लॉज नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्लॉज जे में आके बोल रहा था रिपोर्टिंग ऑन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और रूल 11 के रेफरेंस से देखा वहां पर 3 मैटर आए थे। लेकिन यहां पर प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि क्लॉज की जो नंबरिंग होगी वो रोमन काउंटिंग में होगी, रोमन काउंटिंग में, यानी क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 16 तक। एग्जाम में अगर आप क्लॉज नंबर ये लिख के आगे कि क्लॉज नंबर 1 या क्लॉज नंबर 2 या ABCD आपने लिख लिया, तो अगर एग्जामिनर ने इस पॉइंट को कैच कर लिया कि आपने क्लॉज नंबर गलत लिखा हुआ है बेटा, वो इमीडिएटली वहां पे क्रॉस कर देगा। जो क्लॉज नंबर चलेगा कारों के अंदर वो हमेशा आपका रोमन काउंटिंग में ही चलेगा। फिर पैरा 4 क्या है? पैरा 4 इट इज जस्ट लाइक 143 सबसेक्शन 4। 143 सबसेक्शन 4 हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, या फिर हाँ लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 143 सबसेक्शन 4 क्या कहता है। 143 सबसेक्शन 4 ये कहता है, आई थिंक लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, कि जब आप रिपोर्ट करते हो ऑडिट रिपोर्ट में और कोई मैटर नेगेटिव कमेंट के साथ रिपोर्ट होता है, मॉडिफाइड कमेंट के साथ रिपोर्ट होता है, तो आपको उसका रीजन भी देना होगा। तो पैरा 4 यही कहता है कि ऑडिटर जब आपने पैरा 3 का कोई भी मैटर या तो आप एक मॉडिफाइड कमेंट के साथ रिपोर्ट करते हो या किसी मैटर पर अनेबल टू रिपोर्ट, अनेबल टू कमेंट हो, मतलब कि पैरा 3 में जो 16 मैटर हैं अगर उन मैटर पे कमेंट आपका नेगेटिव कमेंट है, एक मॉडिफाइड कमेंट है, या पैरा 3 के किसी मैटर पर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर आप कमेंट नहीं कर पा रहे, इन दोनों में कोई भी सिचुएशन हुई कि या तो कमेंट आपका मॉडिफाइड बन रहा है या पैरा 3 में जो 16 मैटर हैं सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आप उस मैटर पर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, कमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, या तो पैरा 3 के 16 मैटर हैं उनमें से किसी भी मैटर पे कमेंट आपका नेगेटिव है, एक मॉडिफाइड कमेंट है, या पैरा 3 के किसी मैटर पर आप कमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसका रीजन भी देना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्लियर कहा है पैरा 2 में कि पैरा 3 में और पैरा 4 में जो मैटर हैं आपको उनकी रिपोर्टिंग करनी है।
पैरा थ्री में और पैरा फोर में जो मैटर बताए गए हैं आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। बट अगर देखा जाए तो सारे मैटर्स आपके पैरा थ्री में आते हैं, सारे मैटर्स आपके पैरा थ्री में आते हैं। पैरा थ्री में टोटल कितने मैटर, पैरा थ्री में टोटल 16 मैटर आते हैं, क्लॉज वन रोमन काउंटिंग वाला, तो क्लॉज नंबर 16। पैरा फोर में कोई मैटर है क्या, बेसिकली या टेक्निकली बात कर लो तो पैरा फोर में कोई मैटर है ही नहीं। फिर सर पैरा फोर में क्या है, पैरा फोर सिंपली ये कहता है कि ऑडिटर अगर आप पैरा थ्री में जो 16 मैटर बताए गए थे उनमें से किसी मैटर पर आपका कमेंट बनता है मॉडिफाइड, या आप उनमें से किसी मैटर पर कमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी सिचुएशन है इन दोनों में से, तो उस केस में आपको इस बात का रीजन भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। ये क्या रीजन था, आपका आंसर जो बन रहा है कमेंट बन रहा है मॉडिफाइड बन रहा है, क्या रीजन है कि आप किसी मैटर पर कमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। इनमें से दोनों में से कोई भी सिचुएशन आती है आपके यहां पर ऑडिट के दौरान, तो आपको इस बात का रीजन भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। पहले मुझे इतना बताइए कि कारों का एक छोटा सा ब्रीफ मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया, क्या ये चीजें क्लियर हैं या नहीं। मैंने अभी तक केवल ये बताया कि ऑर्डर बेसिकली पास किसने किया, ऑर्डर को पास करने की पावर कहां से आ गई, ऑर्डर टोटल चार पैराग्राफ में डिवाइडेड है। पैरा वन शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी में डील करता है, पैरा टू में आपकी ड्यूटी है कि पैरा थ्री में पैरा फोर में जो मैटर है उन पर आप रिपोर्ट कर दो। बट पैरा थ्री में ही 16 मैटर मिल जाते हैं, पैरा फोर में ऐसा कोई मैटर तो है नहीं, बट पैरा थ्री के किसी मैटर पर आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, या रिपोर्ट आपका मॉडिफाइड कमेंट के साथ बनता है, तो इस बात का रीजन भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बेटा प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्लियर है या नहीं है, जितना मैंने अभी तक ये आपके साथ डिस्कस किया है फटाफट से बच्चे प्लीज कंफर्म कर दो कि चीजें क्लियर हैं या नहीं है, फटाफट से। चैट बॉक्स वैसे साइलेंट है आज, या तो चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है। ये आज की क्लास YouTube पे भी लाइव है और YouTube वाले बच्चों का मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा बिकॉज मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं है आज यहां पर। आई थिंक बेटा मेरा चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा शायद, तो मुझे आप एक काम करिए, जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऑडिट लाइव बैच का, मुझे प्लीज बच्चे वहां पर रिप्लाई कर दीजिए। ऑडिट लाइव बैच का जो ग्रुप है मेरे को, आई थिंक चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है, मैं इसको दोबारा से लिंक को एक्टिवेट करता हूं। मैंने लिंक को दोबारा एक्टिवेट कराया बेटा, तो प्लीज मुझे वहां पर रिप्लाई करिए कि जितना भी कारों का प्रोविजन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है क्या इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है। हाँ सर क्लियर है, चलिए क्लियर है, क्लियर। हाँ मैंने वैसे अब आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, मैंने लिंक को बेटा एग्जिट करके दोबारा से उसको एक्टिव कर लिया है। चलिए तो एक बार जितना मैंने आपको बताया है उसको हैंड आउट के अंदर जो आपको दिया गया था उसमें कवर कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा आज का कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। व्हाट इज कारो 16? एग्जाम में इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन लग चुका है कि आपसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज कारो 16, या ये भी पूछ सकता है सपोज जब फ्यूचर में कारो 20 आता है तो व्हाट इज कारो 20। तो आंसर चाहे कारो 16 के ऊपर हो या कारो 20 के ऊपर हो, अगर पूछता है व्हाट इज कारो, व्हाट इज कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, मुझे ईयर से मतलब ही नहीं है, आंसर हर कंडीशन में सेम रहेगा। फ्यूचर में कितने ही बेटा कारो रिप्लेस हो जाएं और नया कारो आ जाए, लेकिन इस वाले पॉइंट का आंसर हमेशा सेम रहेगा कि व्हाट इज कारो 16। व्हाट इज कारो, कारो 16 इज एन ऑर्डर, नाम में लिखा हुआ है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, तो ये बेसिकली एक ऑर्डर है। ऑर्डर को पास किसने किया, सीजी ने किया। सीजी को ऐसा ऑर्डर पास करने का अधिकार किसने दिया, इन परसुएंस ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, अधिकार देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू स्पेसिफाई सम एडिशनल मैटर्स। एडिशनल क्यों, इस बात का लॉजिक दिया मैंने बिकॉज ऑलरेडी आप 143 सबसेक्शन 3 के मैटर्स पर रिपोर्ट कर रहे थे, टू स्पेसिफाई सम एडिशनल मैटर फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, मतलब जिस कंपनी पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। क्या कारो हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल हो रहा था, आंसर इज नो, कारो हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
तो मुझे समझना होगा कि जिस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल होगा केवल उसी कंपनी के अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आएगी। जिस कंपनी पे ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है वहां पर एज सच इस मैटर पे रिपोर्ट करने की इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती। तो 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई सम एडिशनल मैटर फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज विच शैल बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर ऑफ सच कंपनी। कहां पर? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। ये रिपोर्टिंग ऐसा नहीं है कि कारो की रिपोर्टिंग मैं केवल मेंबर्स को कर रहा हूं या कारो की रिपोर्टिंग ये कहां से आ गया, कारो की रिपोर्टिंग मैं कंपनी के बोर्ड को करूंगा या ऑडिट कमेटी को करूंगा या डायरेक्टली सीजी को करूंगा, नहीं। कारो की जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी मेन रिपोर्ट जो आप अपने मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को जो आप देते हो, उसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कारो के मैटर्स रिपोर्ट किए जाते हैं। अकॉर्डिंगली एन ऑर्डर इज इश्यूड बाय सीजी विच इज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग फोर पैराग्राफ। अब मेरे साथ साथ बच्चे प्लीज रिकॉल करने का अटेम्प्ट करना, चार पैराग्राफ में डिवाइडेड है, पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री एंड पैरा फोर। पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री एंड पैरा फोर। जब मैं पैरा वन की बात करता हूं तो पैरा वन में क्या बताया गया? पैरा वन में बताया गया है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। पैरा टू में क्या है? ऑडिटर्स ड्यूटी है। किस बात को लेकर? कि जो बातें, जो मैटर आपको पैरा थ्री में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, पैरा फोर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, ऑडिटर आपकी ड्यूटी है उन मैटर्स को रिपोर्ट करने की। पैरा थ्री में आते हैं टोटल 16 मैटर्स मुझे यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जबकि पैरा फोर में एज सच कोई मैटर ही नहीं है, वहां पर केवल रीजन है कि ऑडिटर पैरा थ्री के किसी कम मैटर पर रिपोर्ट करते हुए कमेंट आपका मॉडिफाइड बनता है, या आप पैरा थ्री के किसी मैटर पर कमेंट ही नहीं कर पा रहे, रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात का रीजन भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। तो पैरा वन डील करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डर। टाइटल क्या है? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। कमेंसमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर से कारो 16 की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल हुई थी? फाइनेंशियल ईयर 15-16। यानी जब फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड हुआ था और मैं 15-16 की ऑडिट रिपोर्ट बना रहा था, तब से कारो 16 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चलती हुई आ रही है। एंड एप्लीकेबिलिटी, किस कंपनी में एप्लीकेबल है और किस कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है? तो क्लास ऑफ कंपनीज On which order is applicable and not applicable? कहां पर ये applicable होगा और कहां पर ये applicable नहीं है? पैरा टू। अब recall बेटा प्लीज आपको होना चाहिए, मैंने इतना multiple times चीजों को repeat कर दिया है, तो अब जब आप ये noting पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके mind में एक reflection आना चाहिए कि हाँ पैरा टू में सर ने क्या बताया था। पैरा टू में आपकी ड्यूटी पैरा थ्री एंड पैरा फोर के मैटर्स को रिपोर्ट करने की है। ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा थ्री एंड पैरा फोर ऑफ द ऑर्डर इन ऑडिट रिपोर्ट। इस पॉइंट को अभी स्किप करना, ये अभी समझ में नहीं आएगा, बस अभी इतना ही पढ़ेंगे कि पैरा थ्री एंड पैरा फोर में जो मैटर्स लिख बताए गए हैं, ऑडिटर आपकी ड्यूटी है उन मैटर्स पर रिपोर्ट करने का। फिर पैरा थ्री जो मैंने क्रॉस किया था, बहुत जल्दी हाइड कर दिया, रीजन ये है कि आगे जाके थोड़ी देर के बाद मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि वहां पर कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यानी आपकी ड्यूटी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो जो मैंने क्रॉस कराया, थोड़ी देर के बाद मैं उसका रेफरेंस आपके सामने लेके आऊंगा। पैरा थ्री, इन दिस पैरा टोटल 16 मैटर्स आर स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज वन। क्लॉज का बेटा प्लीज ध्यान रखना कि कारों में अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है केस स्टडी का, और आप पैरा थ्री के रेफरेंस से क्लॉज का नंबर लिख के आ रहे हो, और नंबरिंग अगर आपने ये लिख दी कि हां पैरा थ्री का क्लॉज नंबर 5, इस तरह से आपने लिख दिया, एग्जामिनर नंबर काट देगा, बिल्कुल एक नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड खटाक से जाएंगे आपके। इस जगह ध्यान रखना कि कारों के पैरा थ्री में जितने भी मैटर्स हैं उनका जो नंबरिंग का सीक्वेंस है, जो क्लॉज का सीक्वेंस है, वो रोमन काउंटिंग में चलता है। तो इन दिस पैरा टोटल 16 मैटर्स आर स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 1 टू क्लॉज 16। एंड पैरा 4 ने क्या बताया? रीजन टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर वेयर इन ऑडिट रिपोर्ट द आंसर टू एनी ऑफ क्वेश्चन रेफर टू इन पैरा 3 इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, यानी आप इसको बोल सकते हो मॉडिफाइड, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट basis for such unfavorable or unqualified answer where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter his report shall indicate such fact
टूगेदर विद द रीजन एज टू वाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम। तो मैंने यही कहा था, दो सिचुएशन है, या तो पैरा थ्री के किसी मैटर पर कमेंट बनता है आपका मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब बोले तो अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, या फिर आप पैरा थ्री के किसी मैटर पर कमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आती है आपको इस बात का रीजन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। इतना बता दो बच्चे, क्लियर है या नहीं? जहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो बच्चे प्लीज पूछ लीजिए। ये मैंने कहा कि लेक्चर आपका यूट्यूब पे भी आज लाइव स्ट्रीमिंग में है, केवल एक प्रमोशनल वीडियो के लिए कि हाँ चले कारो 16 किसी बच्चे को पढ़ना है तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो आज साथ में स्टाफ को बोल दिया था कि ये वीडियो साथ में आप यूट्यूब पे भी लाइव कर देना। तो मेरे सामने स्क्रीन नहीं है एक्स्ट्रा, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, तो कोई भी बच्चा अगर यूट्यूब पे देख रहा हो और उसको कोई भी डाउट अगर उसके मन में आ रहा हो तो वो इस नंबर पर 8178701058 पर कमेंट कर दे। बिकॉज अगर आप वहां पर चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उसको बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाऊंगा। तो 8178701058 यहां पे कमेंट कर दे, और जो लाइव वाले बच्चे हैं बेटा वो आपका चैट का ग्रुप है, वहां पर आप मेरे साथ अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। एक मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूं यहां पर। एक मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूं। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी। देख लीजिए कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए, मैं YouTube को मैंने लाइव स्ट्रीमिंग देखी है तो वहाँ पर है कि कुछ बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को अभी, और वहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ कि हाँ सर क्लियर है, और बच्चे मुझे YouTube वाले बच्चे भी मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है सर, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। समझिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं है सर जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेन मुद्दा है हमारा अब ये, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 16, कारो 16 की एप्लीकेबिलिटी। इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर एप्लीकेबल होगा इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, यानी कि कारो 16 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी कंपनीज, सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, ऑल्सो इंक्लूडिंग, also including foreign companies, also including foreign companies, यानी कि सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, और जो फरंगी कंपनीज हैं, जो फॉरन कंपनीज हैं उनके ऊपर भी ऑर्डर एप्लीकेबल है। तो मतलब सर कि क्या हम कारो के जरिए, मतलब क्या हम एक इंडियन लॉ के जरिए, इंडियन एक्ट के जरिए या इंडियन ऑर्डर के जरिए, क्या हम जो कंपनी इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रही होती हैं, जस्ट लाइक सपोज कि एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, क्या इनके ऊपर भी ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा? बोले हाँ, ऑर्डर एप्लीकेबल है किसके ऊपर? फॉरेन कंपनीज के ऊपर। लेकिन फॉरेन कंपनीज कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है, और ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कंपनी अगर सपोज कोई कंपनी इंडिया के बाहर हुई है इनकॉर्पोरेट,
और इंडिया से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उनका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो कहने को ये भी एक फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये एक फॉरेन कंपनी नहीं है। बिकॉज कंपनी एक्ट 2013 के लिए अगर बात की जाए फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, तो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया लेकिन उनका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है तो इन्हें मैं बोलता हूं फॉरेन कंपनी। अब कोई कंपनी सपोज की कोरियन कंपनी है, इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया के बाहर ही काम करती है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, और मैं कहूंगा कि तुमने यार कारो, तुम्हारे ऊपर भी कारो एप्लीकेबल है क्योंकि ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी पैरा वन में लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी में भी एप्लीकेबल होगा, तो ऐसा नहीं। जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया में उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, माना कि इन जनरल ये एक फॉरेन कंपनी है, बट एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कौन सी कंपनी की हम बात करेंगे, विच कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, बताइए क्या उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, क्या उसकी भी ऑडिट्स वगैरह होती होंगी, नहीं होती होंगी? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और जब उसकी ऑडिट हो रही होगी तो उसकी ऑडिट की रिपोर्टिंग पर क्या कारो का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। माना कि एक इंडियन कंपनी नहीं है, क्यों नहीं है? इंडियन कंपनी तो बेटा वो होगी ना जो या तो पुराने कंपनी लॉ में बनी थी या एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ है उसमें हुई है इनकॉर्पोरेट, उसे मैं बोलूंगा इंडियन कंपनी। लेकिन जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो बेसिकली एक इंडियन कंपनी तो नहीं है, वो एक फॉरेन कंपनी है। लेकिन अगर उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो कंपनी जब 2013 की नजरों में वो एक फॉरेन कंपनी नहीं है। एज पर कंपनी जब 2013 विच कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, तो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वो कंपनी कहलाएगी यहां पर फॉरेन कंपनी। तो उस कंपनी के जब अकाउंट्स मेंटेन हुए, उस कंपनी की जब ऑडिट हो रही होगी इंडियन सेगमेंट वाले पार्ट की, तो उसके ऊपर भी कारो 16 की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होगी। तो कारो 16 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी कंपनीज, ऑल्सो इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज बट एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज। तो बेसिकली देखा जाए बच्चे आपको ये याद नहीं करना कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। कोई पूछे कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बोले भाई सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ऑल कंपनीज। आपको ये याद नहीं करना है कारो की एप्लीकेबिलिटी क्या है, आपको ये देखना है कारो कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, कारो कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। बस पहले तो उन्होंने सबको लपेट लिया, बोले सब आ जाओ। और जब सबको लपेट लिया तो एक एक करके कुछ कंपनी को, कुछ क्लास ऑफ कंपनी को हम यहां से बाहर निकल रहे हैं। बोले बोले एक काम करो, तुम निकल जाओ। जो बाहर निकल गया वो कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से बच गया बिकॉज वहां पर कारो एप्लीकेबल नहीं है, और जो बाहर नहीं निकला वो ऑलरेडी बेटा हमने ऑल कंपनीज में शामिल कर लिया था। तो बट एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी पर अब ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती? फर्स्ट वन इज बैंकिंग कंपनीज एंड सेकेंड वन इज इंश्योरेंस कंपनीज। इन दो को बाहर निकाल दिया, लॉजिक क्या है? बिकॉज इनके अंदर बेटा ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती हैं। जब इतनी सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इन कंपनीज में हैं, तो इन कंपनीज को कारो से मुक्ति दे दी गई। यानी अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करूंगा, अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, बेसिकली वो एक कंपनी है, तो जब मैं एक बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करूंगा तो क्या उस कंपनी की जब मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूंगा, क्या मैं वहां पर कारो 16 के रेफरेंस से कोई भी मैटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करूंगा? आंसर इज नो। कभी भी किसी भी बैंकिंग कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में आपको 143 सबसेक्शन 11 के रेफरेंस से कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर की बातें देखने को नहीं मिलेंगी। बैंकिंग कंपनी हमेशा 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 कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट है, जैसे कि होंडा। हाँ बेटा, होंडा जितनी भी देखो विदेशी कंपनी होती है, फॉरेन कंपनीज होती हैं, अगर इनको इंडिया में अपने ऑपरेशन करने होते हैं तो इनको इंडिया के अंदर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी सीधे इंडिया में आके बिना कोई कंपनी बनाए ऑपरेशन अपने कर ही नहीं सकती। होंडा की इंडिया में कंपनी होगी पक्का, होंडा इंडिया लिमिटेड होगी। जो भी कंपनी उनकी इंडिया में आती है, बस वहां पे अपनी कंपनी के नाम के साथ क्या लगा लेते हैं, ये इंडिया वर्ड लगा देते हैं और एक इंडियन कंपनी बनाते हैं।
ओके, अगर सपोज कि मुझे कुछ भी इंडिया में इनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना हो तो मैं चाहूंगा कि वो कंपनी इंडियन लॉ के दायरे में आनी चाहिए। और कंपनी इंडियन लॉ के दायरे में कब आएगी? जब वो एज पर दी कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड हो जाए। तो किसी भी विदेशी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में ऑपरेट करना होता है तो उसको इंडिया के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन दोनों कंपनीज के अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी तो बोले ठीक है, आप ऑलरेडी इतने सारे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में दबे हुए हो, कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मैं बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करता हूं, मैं इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट करता हूं, मैं यहां पर कभी भी कारों के रेफरेंस से रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। इसके अलावा शॉर्ट में लिख देता हूं, सेक्शन 8 कंपनी, वैसे तो बोलते हैं कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शॉर्ट में बोल दिया मैंने सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली कैसे होती है? एनपीओ टाइप की होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है इनको भी कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से मुक्ति मिली है। यानी अगर मैं एक सेक्शन 8 कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं, मैं कभी भी वहां पर 143 सबसेक्शन 11 का रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देकर नहीं आऊंगा कि मैं वहां पर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर के रेफरेंस से कुछ मैटर्स की रिपोर्टिंग करूंगा, ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी ऑलवेज एग्जेम्प्ट, इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज एग्जेम्प्ट, सेक्शन 8 कंपनी ऑलवेज एग्जेम्प्ट। इसके अलावा कुछ छोटी कंपनी को मुक्ति दे दी गई, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में बताया गया है, स्मॉल कंपनी का मतलब ये नहीं कंपनी वास्तव में छोटी है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो उस केस में आप स्मॉल कंपनी बन जाते हो। तो 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी को कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से मुक्ति दे दी। क्यों? बोले आप छोटी सी कंपनी हो, आपकी कंपनी में इतनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की रिपोर्टिंग, इतने मैटर्स की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती। तो बैंकिंग कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट है, इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 8 कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट का मतलब इनमें कोई कंडीशंस नहीं है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो एग्जेम्प्शन है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एग्जेम्प्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्ट, इंश्योरेंस कंपनी एग्जेम्प्ट, सेक्शन 8 कंपनी एग्जेम्प्ट, 1% कंपनीज एग्जेम्प्ट, स्मॉल कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी इफ ऑल दी फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ध्यान से देखो जरा इसको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले केस को बच्चे प्लीज ध्यान से आप देख लेना। क्या मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जेम्प्ट कर रहा हूं? आंसर इज नो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो रही है, बट कंडीशन बेस्ड। क्या है? पहली कंडीशन, नॉट बीइंग होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। इन्होंने कहा कि पहली बात तो बेटा आप किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी नहीं होने चाहिए, और दूसरा, इफ ऑल दी फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मेरी बात को बच्चे प्लीज ध्यान से आप समझना, मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वेदर कारो विल बी एप्लीकेबल और नॉट, क्या कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए 2 टेस्ट आप अप्लाई करिए, 2 टेस्ट आप अप्लाई करिए, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2। ऐसी कोई भी बात बेटा टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसी कोई भी बात ऑर्डर में लिखी हुई नहीं है। कभी आप वहां पर जाकर देखें सर ने तो कोई टेस्ट की बात की थी, ऑर्डर की लैंग्वेज यही है कि एग्जेम्प्ट किया जा रहा है बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, नॉट बीइंग होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी इफ ऑल दी फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो 3 कंडीशन कौन सी है अभी बस थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको दो टेस्ट अप्लाई करने होंगे। सबसे पहला हमारा टेस्ट नंबर वन, टेस्ट वन, बोले क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की, किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है? तो दो ही बातें हैं बेटा, आंसर या तो यस पे आएगा या आंसर नो पे आएगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, इफ आंसर इज यस देन कारो इज एप्लीकेबल, कारो इज एप्लीकेबल, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज केवल उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जेम्पशन देंगे जो कि किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी ना हो। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हैं, तो कंडीशन तो बेटा मैं देखूंगा तक नहीं। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, देन कारो में आपका स्वागत है, कारो इज एप्लीकेबल, देन कारो इज एप्लीकेबल। लेकिन अगर आंसर इज नो, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, आंसर इज नो कि नहीं मैं किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं हूं, देन अप्लाई टेस्ट टू। उस केस में मैं टेस्ट टू में चला जाऊंगा, टेस्ट टू में। और टेस्ट टू क्या अप्लाई करना है, टेस्ट टू को अप्लाई करते हैं। और टेस्ट टू में हम ये देखेंगे कि क्या क्या ये तीनों कंडीशंस, क्या ये तीनों कंडीशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है? क्या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं है, क्या आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल कर रहे हो? आंसर इज यस और इफ आंसर इज नो। तीन कंडीशन है बेटा, तीनों की तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक सेटिस्फाई करी है बस, दो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो सॉरी कारो आपको पर एप्लीकेबल होगा। दो सेटिस्फाई करी है, एक सेटिस्फाई करने से आप चूक गए, तो भी बेटा कारो से एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। कारो से एग्जम्पशन लेने के लिए तीनों की तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तीन कंडीशन क्या है, बस थोड़ी देर में उन कंडीशन पे आ रहा हूं, बट अभी माइंड फ्रेम कर रहा हूं कि हाँ कैसे मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यह देखना होगा कि यह कंपनी पर कारो एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। पहला टेस्ट वन अप्लाई करेंगे कि क्या आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है। आंसर इज आइदर यस और नो। इफ आंसर इज यस, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज आइदर अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, देन कारो इज एप्लीकेबल। बट इफ आंसर इज नो, देन आप इमीडिएटली आंसर नहीं करेंगे कारो एप्लीकेबल नहीं है, इमीडिएट आंसर नहीं होगा। टेस्ट वन पूरा हो रहा है, टेस्ट टू की ओर मूव कर जाएंगे। और एज पर टेस्ट टू मुझे क्या देखना है, क्या ये तीनों कंडीशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फुलफिल करती है? देन अगेन आंसर इज यस और आंसर इज नो। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी, देन कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कारो इज नॉट एप्लीकेबल, एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको। बट अगर आंसर है नो, तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, एक सेटिस्फाई नहीं करी या दो सेटिस्फाई नहीं करी या तीनों ही नहीं करी, कुल मिलाकर तीनों सेटिस्फाई होनी जरूरी है, बट अगर इन तीनों में से कोई भी एक या उससे ज्यादा आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, देन कारो इज एप्लीकेबल, देन कारो इज एप्लीकेबल। बताइए क्या इतना प्रोविजन बच्चे क्लियर है या नहीं है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करी है, प्लीज जल्दी से इस जगह पर मुझे रिप्लाई कर दीजिए क्या इतना प्रोविजन समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद अब देखते हैं कि ये तीन कंडीशन बेसिकली कौन सी हैं। उससे पहले बस मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने के बाद फिर मैं कंडीशन डिस्कस करनी आपसे शुरू करूंगा। जल्दी से फटाफट से बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। YouTube वाले बच्चों का भी कमेंट देख लेता हूं।
चलिए बच्चे वहां पर भी मैं कमेंट इस समय रीड कर रहा हूं, तो कोई डाउट तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। जितना प्रोविजन अभी तक समझाया मैंने आपको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली बातें भी क्लियर है बच्चे? नहीं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली बात जो डिस्कस करी है, बताइए क्लियर है या नहीं है? खुशबू जैन जी का रिप्लाई आया है यूट्यूब से कि हाँ सर क्लियर है। चलिए चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, फिर क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के प्लीज रिप्लाई करना, सोच समझ के। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूं, एक अप्रैल 2020 ए प्राइवेट लिमिटेड और एक अप्रैल 2020 को ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। 1 अप्रैल 2020 को ए प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है बेटा किसकी? ये सब्सिडियरी कंपनी है बी लिमिटेड की, ठीक है। अब क्या होता है कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर 20 में दिस कंपनी इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, यानी दिसंबर के महीने तक आते आते क्या होता है कि बी लिमिटेड ने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो पैसा लगा रखा था, जो शेयर्स एक्वायर कर रखे थे ए प्राइवेट लिमिटेड के, दिसंबर 20 में वो सारा पैसा हो जाता है विड्रॉ, या कुछ कम पैसा विड्रॉ कर लिया, कुल मिलाकर वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। यानी जब ईयर एंड हुआ था, ईयर की स्टार्टिंग हुई थी, नॉट एंड, जब ईयर का कमेंसमेंट हुआ था तो ये सब्सिडियरी कंपनी थी, और जब मैं ईयर एंड कर रहा हूं 31 मार्च 2021 को, जब मैं ए प्राइवेट लिमिटेड का ईयर एंड कर रहा हूं, तो यहां पर अब बात यह निकल के आ रही है कि ए प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। इस समय सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। और जब ईयर का कमेंसमेंट हुआ था, विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो मुझे आप ये बताइए इस जगह पर कि ए प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पर कारों का प्रोविजन क्या होगा? एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? सोचो और बताओ कि क्या लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कारो 16 ए प्राइवेट लिमिटेड पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? बिकॉज कंडीशन हमने ये देखी कि ए प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से मुक्ति पा जाएगी अगर वो एक पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। वो तीनों कंडीशन क्या है, वो तो टेस्ट 2 में अप्लाई करूंगा। पहले टेस्ट तो इस बात का होगा ना कि आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी है या नहीं। तो 1 अप्रैल को आप सब्सिडियरी कंपनी थे, बट 31 मार्च को आप सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो। तो मुझे अब आप ये बताइए, फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं तो ए प्राइवेट लिमिटेड पे कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? प्लीज बच्चे जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई करिए, क्या लगता है आपको, एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? चलिए YouTube पे मंजू कौशिक जी का रिप्लाई है, सर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो
अभी मैं YouTube के कमेंट देख रहा हूँ इस समय, अभी लाइव बैच वाले बच्चों का कमेंट देखते हैं। सर नहीं एप्लीकेबल होगा, बी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है कि नहीं, नॉट कंफर्म। बी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है कि नहीं, नॉट कंफर्म। सुधीर यादव जी, आई थिंक कंपनी के नाम को देखकर, कंपनी के नाम को देखकर एक आइडिया लग सकता है कि कंपनी पब्लिक कंपनी है या नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि बी लिमिटेड का पता नहीं एक पब्लिक कंपनी है या नहीं? आपने लॉस का मतलब ठीक से नहीं पढ़ा। बी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है या नहीं बेटा, ये क्लियर कोई भी बोल देगा कि हाँ बी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। बी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। क्वेश्चन की कंडीशन, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। बेटा कंडीशन तो मैंने बताया नहीं है, वो तीन कंडीशन क्या है मैंने अभी आपको बताया नहीं। अभी तो आप बस ये है कि जो पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट है कि वो ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। बट कंडीशन ऐसे, एग्जेम्पशन आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब जाके मिलेगी। तो तीनों कंडीशन को अभी आप छोड़ दो, तीनों कंडीशन को अभी आप छोड़ दो, मुझे केवल आप टेस्ट वन के बेस पर आप बता दो, केवल टेस्ट वन के बेस पर कि क्या एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मुझे आप टेस्ट वन के बेस पर, टेस्ट टू को गोली मारो, कंडीशन वाले को आप गोली मारो, मुझे आप केवल इसी कंडीशन के बेस से बता दो कि कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। कारो इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, कारो का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, कारों का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, या इतना बता दो टेस्ट वन की कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। चलो इसमें एक काम कर लेता हूं कि नहीं, मैं हिंट नहीं दे सकता अभी आपको। सर फर्स्ट टेस्ट पूरा कर लिया है, मुझे केवल इतना रिप्लाई कर सकते हो कि क्या फर्स्ट टेस्ट पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर बी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो एप्लीकेबल होगा। बेटा अगर मगर वाली बात नहीं है, बी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, बी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। बात यह है कि मुझे कारो एप्लीकेबल है या नहीं, इसके लिए जो कंपनी का स्टेटस देखने का होगा वो किस डेट पर कंपनी का स्टेटस दिखा जाएगा। फोकस करना इस पॉइंट पर, फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर स्टेटस ऑफ कंपनी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट शैल बी कंसीडर्ड। Shall be considered for determining the applicability of order status of company as on the balance sheet date. मुझे balance sheet date पे status लेना होगा, balance sheet date पर। और balance sheet date क्या है हमारी? Balance sheet date है हमारी 31 मार्च 2021। और 31 मार्च 2021 को A limited subsidiary company नहीं है, B limited की। तो इसका मतलब पहला test आपका यहाँ पर पूरा हुआ, यानी पहला test आपका पूरा हुआ। तो मैं केवल पहले test के base पर ही आपसे answer चाह रहा था, मैंने condition तो अभी आपको बताया नहीं है। तो मैं केवल अगर पहले टेस्ट के बेस पे आंसर चाहूं कि कारो का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा नॉट एप्लीकेबल, अभी मैं कह सकता हूं एज्यूमिंग डेट। चलो मैं एजम्पशन भी ले सकता हूं, एज्यूमिंग डेट ऑल द थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय सच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोविजन ऑफ कारो 16 इज नॉट एप्लीकेबल, कारो 16 का प्रोविजन इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा पॉइंट अब आपको अपने माइंड में यह सेट करना है कि किसी भी कंपनी पर कारो एप्लीकेबल होगा या कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कंपनी का स्टेटस किस तारीख का लिया जाए, किस तारीख का मैं स्टेटस लेके चलूंगा। बिकॉज सपोज कि एक और इस पे एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड नो डाउट कि एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, एनबीएफसी बोलते हैं इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो फाइनेंस में तो डील करती है बट ये बैंक नहीं है। ऐसी कंपनी जो फाइनेंस में डील करती है बट ये एक बैंक नहीं है, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये क्या है, ऑल दीज आर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लेकिन फाइनेंस में डील करती है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने आरबीआई को बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था। ये आगे से अपने बिजनेस का ऑपरेशन एज बैंकिंग कंपनी करना चाहती है, तो
ईयर एंड तक आते आते हैं, ये सिचुएशन 1 अप्रैल की थी, 1 अप्रैल 20 को ये एनबीएफसी थी, बट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस मिल जाता है आरबीआई से, और अब बेसिकली ये एनबीएफसी नहीं है, अब ये बैंकिंग कंपनी है, ईयर एंड तक आते आते ये बैंकिंग कंपनी बन जाती है, बैंकिंग कंपनी 31 मार्च 2021 को। तो जब ईयर का कमेंसमेंट हुआ था, ये एक एनबीएफसी थी, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और ईयर का जब एंड हो रहा है तब उस टाइम पे क्या बन रही है, ये एक बैंकिंग कंपनी बन रही है। तो मुझे अब ये समझना है कि क्या इस कंपनी पर ए लिमिटेड, अभी प्राइवेट कंपनी वाली तो बात ही नहीं है, कंडीशन चेक ही नहीं करनी, तीन कंडीशन मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है, और वो तीन कंडीशन मुझे यहां पर चेक भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, बिकॉज एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी को एग्जम्पशन नहीं है, बैंकिंग कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जम्प्ट कर दी हमने, इंश्योरेंस कंपनी को एग्जम्प्ट कर दिया, सेक्शन 8 कंपनी को हमने एग्जम्प्ट कर दिया, ओपीसी स्मॉल कंपनी एग्जम्प्ट कर दी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंडीशन बेस पे एग्जम्प्ट हो रही है। तो बात यह है कि ए प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बिकॉज ईयर के बिगिनिंग में एक एनबीएफसी थी और ईयर के एंड पे आने पे एक बैंकिंग कंपनी है, तो किसी भी कंपनी पे कारो एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, इसके लिए फिर से बेटा इस पॉइंट को ध्यान से आप रीड कर लो। फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर स्टेटस ऑफ कंपनी एज ऑन बैलेंस शीट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट शैल बी कंसिडर्ड। तो मुझे 1 अप्रैल से मतलब नहीं, मुझे 31 मार्च से मतलब है। 31 मार्च को आप क्या हो, क्या 31 मार्च को आप एक बैंकिंग कंपनी है? आंसर इज यस, 31 मार्च को आप एक बैंकिंग कंपनी है। इफ यू आर अ बैंकिंग कंपनी एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देन यू आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, यू आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कारो, आपके ऊपर कारो का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फटाफट से बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो, ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है। For determining the applicability of this order, status of company as on balance sheet date of the financial year which is subject to audit shall be considered. फटाफट से बच्चे प्लीज रिप्लाई करना, फटाफट से प्लीज जल्दी से रिप्लाई करना, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ईयर एंड तक आते आते ये बैंकिंग कंपनी बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्लियर और नॉट क्लियर जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर जल्दी से बच्चे प्लीज रिप्लाई करो। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए अभी तक जितना डिस्कस करा है एक बार उसको स्क्रीन पर आपको शो कर देता हूं। रटने की अटेम्प्ट बिल्कुल भी मत करना, जितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, जितना अच्छा बेटा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे उतना ही अच्छा एग्जाम में आप स्कोर कर लोगे। रटना बिल्कुल मना है, रटना बिल्कुल मना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर सर, पब्लिक कंपनी नहीं समझ आया, पब्लिक कंपनी का मतलब बेटा उस पर कारो है कि नहीं? बेटा अगर पब्लिक कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है तो एप्लीकेबल नहीं है, अगर पब्लिक कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है तो एप्लीकेबल नहीं है, अगर एक पब्लिक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो एप्लीकेबल नहीं है। यानी ये देखो ना, कुछ कंपनी स्पेसिफाई हो गई, बैंकिंग कंपनी नॉट एप्लीकेबल, इंश्योरेंस कंपनी नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 8 कंपनी नॉट एप्लीकेबल, उसके अलावा जो बाकी की 3 कंपनियां मुझे देखने को मिल रही हैं वो कौन सी हैं? वो प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी बेसिकली प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी बेसिकली प्राइवेट कंपनी है, और इन दो को छोड़ के बाकी बची प्राइवेट कंपनी, वहां पर मैं कंडीशन चेक कर लूंगा। आप बैलेंस शीट डेट पर किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी ना हो, और दूसरा आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो एग्जेम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इफ पब्लिक कंपनी, अगर एक पब्लिक कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में एग्जम्पशन है, पब्लिक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है एग्जम्पशन है, पब्लिक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है एग्जम्पशन है, उसके अलावा किसी भी पब्लिक कंपनी को एग्जम्पशन नहीं है, उसके अलावा किसी भी पब्लिक कंपनी को एग्जम्पशन नहीं है। तो पब्लिक कंपनी पे तो बेटा आई थिंक पैनिक होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मुझे पता है कि कुछ कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जम्प्ट कर दी गई है, बैंकिंग कंपनी एग्जम्प्ट है। अब एग्जाम में आप कंडीशन लेके थोड़ी आएंगे कि हम ये मान रहे हैं कि ये पब्लिक कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है तो एग्जम्पशन देंगे। अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है उस पर कोई कारों का केस स्टडी बन रहा है तो आपको कंपनी का नेचर बताया जाएगा। अब सपोज कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपके ऊपर आपसे ये पूछा गया कि बताइए इस कंपनी में कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो हम आप ये लिख के आते हो कि हम ये मान रहे हैं कि ये पब्लिक कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है इसलिए यहां पर कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। आप ऐसी गलत एजम्पशन लेके नहीं आएंगे। अगर कोई कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी है, ये फैक्ट आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, अदरवाइज कंपनी के नाम से आप आईडी लगाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो एक प्राइवेट कंपनी है, और केवल लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है तो एक पब्लिक कंपनी है।
तो पब्लिक कंपनी है और कोई भी हिंट नहीं है कि एक बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो उस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल हो गया। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको बेटा क्वेश्चन में और फैक्ट आपको मिलेंगे, कुछ कंडीशंस जो मुझे सेटिस्फाई करनी होती हैं, वो तीन कंडीशंस हम देखेंगे, वो पूरी फुलफिल अगर आप कर रहे होंगे तो कारो से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज कारो से आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, ये एप्लीकेबिलिटी कौन से पैरा में बताई गई है, ये एप्लीकेबिलिटी कौन से पैरा में बच्चे बताई गई है? सर इट इज एज पर पैरा वन ऑफ द ऑर्डर, दिस एप्लीकेबिलिटी इज एज पर पैरा वन ऑफ द ऑर्डर, कारो 16 इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, पहले सब लपेट ली, ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज जिन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द एक्ट। कौन सी कंपनी? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो कारो 16 इज एप्लीकेबल, कारो 16 इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 बट एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग कंपनीज। अब देखा जाए तो कौन कौन सी कंपनीज को यहां से बाहर निकाल दिया गया, उम्मीद कर रहा हूं कि याद हो चुका होगा, बैंकिंग कंपनी बाहर निकलेगी, इंश्योरेंस कंपनी बाहर निकलेगी, सेक्शन 8 कंपनी बाहर निकलेगी, ओपीसी बाहर निकलेगी, स्मॉल कंपनी, इन पांच कंपनी में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, लेकिन जो छठी कंपनी हम देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहां पर कंडीशन है, दो टेस्ट मुझे वहां पर अप्लाई करने पड़ जाएंगे। फर्स्ट वन इज एग्जेम्प्ट कर दिया गया बैंकिंग कंपनी, कोई कारो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के सकते हो सेक्शन 8 कंपनी, चलेगा इतना। वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी को कंपनी एक्ट के किस सेक्शन में, सेक्शन 2 की किस क्लॉज में है, 2 क्लॉज 62, स्मॉल कंपनी को 2 क्लॉज 85। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, किस तारीख पर देखूंगा, आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं है, किस तारीख पर ये पॉइंट चेक करूं, क्या होल ईयर अराउंड देखना होगा, होल ईयर अराउंड, या एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। Not being holding company or subsidiary company of any public company as on the balance sheet date, as on the balance sheet date of financial year which is subject to audit कब, If all the following conditions are satisfied, अगर ये आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड देखो इस पे ना एग्जाम में घुमाने वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चे, प्लीज ध्यान से आप देखना, क्योंकि ऑडिट के पेपर में ये होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा बहुत आपके साथ बेटा ऑडिट के पेपर में हो जाता है, आपके साथ ना हो लेकिन जो पास्ट में बच्चों का मैंने अटेम्प्ट देखा है, छोटी सी लापरवाही से वो अपने नंबर लूज कर जाता है। अब क्वेश्चन में सपोज ये है कि एक फैक्ट दे दिया आपको, ए प्राइवेट लिमिटेड विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में ना कुछ और एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए, क्वेश्चन में कुछ और आपको एडिशनल फैक्ट्स आपको दे दिए, बेसिकली एडिशनल फैक्ट्स जो होंगे वो जो तीन कंडीशंस मैंने अभी डिस्कस नहीं करी आपकी उनसे रिलेटेड फैक्ट्स वो आपको दे देगा। और बच्चे को तीनों कंडीशंस याद होती हैं, अच्छी तरीके से याद होती है, बच्चा देखता है कंडीशन वन भी पूरी हो रही है, कंडीशन टू भी पूरी कर गया और कंडीशन थ्री भी पूरी कर गया, उसने हालांकि क्वेश्चन में क्लियर कट कहा था ए प्राइवेट लिमिटेड बी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है और उसमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन ए प्राइवेट लिमिटेड के रिगार्डिंग आपको दी, और बेसिकली एडिशनल फैक्ट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कंडीशन 1, 2, 3 को लेके थे, जिनके बेस पर आपने देखा अच्छा कंडीशन 1 भी पूरा है, कंडीशन 2 भी पूरा है, कंडीशन 3 भी पूरा है, इसका मतलब ऑल दी थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड। आपने देखा कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, और जैसे ही तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई आपका कंक्लूजन एग्जाम में आप ये लिख के आ गए कि ए प्राइवेट लिमिटेड इज एग्जेम्प्ट, ए प्राइवेट लिमिटेड इज
exempt from applicability of order. Applicability of the order, ये आप लिख के आ गए जल्दबाजी में, क्योंकि आपने बस फटाफट देखा ओहो तीन कंडीशन है, कंडीशन वन भी पूरी है, कंडीशन टू भी पूरा, कंडीशन थ्री भी पूरा. और एग्जाम में देखो, अगर मैं पेपर सेटर हूं ना, तो मैं कंडीशन वन टू थ्री तक सिंपल लिख आपको फैक्ट इतने सिंपल दूंगा कि बच्चे को कुछ कंफ्यूजन ना हो कि कंडीशन वन पूरी हो रही या नहीं हो रही. मतलब इंफॉर्मेशन इतनी सिंपल होंगी, पढ़ते के साथ ही आप कंक्लूड कर लोगे कंडीशन वन का टेस्ट पूरा हो गया, कंडीशन टू भी पूरी है और कंडीशन थ्री भी पूरी है. और इमीडिएटली आप बोलेंगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, कंपनी कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो रही है. कंक्लूजन सही हुआ या गलत हुआ? सरासर गलत हुआ. क्यों? बिकॉज बैलेंस शीट डेट पर बेटा पब्लिक कंपनी की आप सब्सिडरी कंपनी थे, पहले टेस्ट में आप फेल हो गए तो टेस्ट टू तो अप्लाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. कंडीशंस तो मुझे देखनी भी नहीं थी इस आंसर के अंदर, मुझे बेटा कंडीशंस को देखना भी नहीं था, बिकॉज क्वेश्चन में एक फैक्ट या एक इंफॉर्मेशन बिगिनिंग में दे दिया गया था कि ए प्राइवेट लिमिटेड बी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है. और सब्सिडरी कंपनी है तो मुझे पता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बैलेंस शीट डेट पर किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में आपको मुक्ति नहीं है. मुक्ति कब मिलेगी आपको? पहला टेस्ट कि बैलेंस शीट डेट पर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ना हो, पहला टेस्ट. और दूसरा टेस्ट, आप ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दो. तो एग्जाम में प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कारों की एप्लीकेबिलिटी को लेकर कोई केस स्टडी है, तो पहले देख लेना कि क्या वो बैलेंस शीट डेट पर किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है. अगर है होल्डिंग या सब्सिडरी, तो उस केस में कंडीशंस देखने का मतलब ही नहीं बनता मेरा. मैं इमीडिएट बोलूंगा कि आप बैलेंस शीट डेट पर किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में आपको कारों के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. अब बात आई सर वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी हैं, इतना तो क्लियर समझ में आ गया कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर मुझे कंडीशन बेस जाना होगा. मुझे टेस्ट वन क्लियर है, टेस्ट टू क्लियर है. टेस्ट वन में मैं देखता हूं कि आप किसी बैलेंस शीट डेट पर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ना हो, और टेस्ट टू में मुझे ये देखना है आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दो. तो अल्टीमेटली बस बात यहां पे आकर रुक जाती है कि सर प्लीज आप जल्दी से ये बता दो कि वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है. तीन कंडीशन कौन कौन सी है देखिए ध्यान से बच्चे, वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है. फर्स्ट कंडीशन इज बेस्ड अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व एंड सरप्लस. कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 करोड़ रुपए से एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट कौन सी? सपोज कि मैं 2021 की बात कर रहा हूं, इस चीज को बच्चे प्लीज ध्यान से आप देखिए. कंडीशन वन ये कह रहा है कि पेड अप शेयर कैपिटल साथ में रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन को देखा जाए तो बेटा मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं नॉट मोर देन, बट मैं इस जगह पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में प्लीज सिंबल यूज मत करना इस जगह पर. क्यों? बिकॉज अगली एक कंडीशन में सिंबल की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है. मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप सिंबल यूज करते हो ना इस तरीके से, तो पहली कंडीशन में सिंबल आराम से अप्लाई हो जाएगा, नॉट मोर देन रुपीज वन करोड़. कब? एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो. तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो तो मैं यहां पर सिंबल यूज कर सकता था इस तरीके से, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट करी है कि कारों के अंदर जब आप कंडीशन लिख रहे होंगे ना, आप प्लीज वहां पर सिंबल को यूज मत करना, बिकॉज पहली कंडीशन में सिंबल यूज करके मीनिंग सही निकल के आएगा, बट अगली एक कंडीशन में डिस्कस करूंगा आपसे, वहां पर सिंबल की वजह से आपकी जो कंडीशन की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी. तो प्लीज सिंबल को अवॉइड करना एग्जाम में. आप यहां पर नॉट मोर देन लिख के आएंगे, नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. अब बात यह आई कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं ऑडिट कर रहा हूं, और मैंने आपको एक फैक्ट दिया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का,
और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये हैं रुपीज 1.1 करोड़, जबकि 19-20 में पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये था रुपीज 90 लाख। प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या होगी? प्रॉब्लम समझ में आ गई? हाँ सर, कुछ कुछ आ रही है। ये मैं 31 मार्च 21 की बात कर रहा हूं और यहां पर मैंने 31 मार्च 20 की बच्चे बात करी है। तो आप ये बताइए कौन सी बैलेंस शीट डेट पर ये कंडीशन देखूंगा? बाकी दो कंडीशन को भूल जाओ, बाकी दो कंडीशन को आप भूल जाओ। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ए प्राइवेट लिमिटेड बैलेंस शीट डेट पर किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। ये फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूं, बैलेंस शीट डेट पर ये किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। इसका मतलब पहला टेस्ट इसने पास कर लिया। दूसरे टेस्ट में मुझे पता है तीन कंडीशन है, दो कंडीशन को भूल जाओ अभी आप, केवल इसी कंडीशन के बेस पर मुझे आप बता दीजिए कि कारो एप्लीकेबल है या नहीं। अगली दो कंडीशन को आप भूल जाओ, अगली दो कंडीशन क्या है उसे आप भूल जाइए, मुझे केवल इसी कंडीशन के बेस पर बता दो कि कारो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। अब बैलेंस शीट डेट बोल रहा है बट ये नहीं बोल रहा कि बैलेंस शीट डेट किस फाइनेंशियल ईयर की, बैलेंस शीट डेट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है या वो करंट फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है। अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है, सपोज कि अगर ये बैलेंस शीट डेट करंट फाइनेंशियल ईयर की है विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, तो ये तो 1.1 करोड़ निकल के आ गया, जबकि कंडीशन ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर ये कहते हो आप कि सर बैलेंस शीट डेट में प्रीवियस ईयर की देखूंगा, 19-20 की देखूंगा, तो 31 मार्च 20 पर देखूंगा, ये 90 लाख का है, 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, और मैं कह रहा हूं केवल इसी कंडीशन के बेस पर आंसर निकालना हो तो उस केस में कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बात ये देखिए कि बैलेंस शीट डेट मुझे कौन से फाइनेंशियल ईयर की लेके चलनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, क्वेश्चन क्लियर है, तो फटाफट से मुझे बता दो बैलेंस शीट डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर की लेके चलनी है। बैलेंस शीट डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर की मुझे यहां पर लेके चलनी है? दो ऑप्शन है आपके पास, एक 20-21 और एक ऑप्शन है आपके पास 19-20। जल्दी से फटाफट से रिप्लाई कर दो, जल्दी से बच्चे प्लीज फटाफट से रिप्लाई कर दो कि मैं 20-21 की बात करूं या मैं 19-20 की बात करूं। 20-21 की बात की जाए या 19-20 की बात की जाए, जल्दी से बेटा प्लीज फटाफट रिप्लाई करो। YouTube वाले बच्चे भी चैट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए YouTube पे कमेंट बॉक्स में मैं आ गया हूं, तो आप वहां पर भी रिप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक रिप्लाई दिखाई दे रहा है सुंदरम रेजी का, वो 19-20 की बात कर रहे हैं। किसी बच्चे ने मुझे अभी कमेंट करा है मेरे को WhatsApp नंबर पर, उन्होंने 20-21 की बात करी है। और जो लाइव बैच वाले बच्चे हैं बेटा, वो प्लीज ग्रुप में चैट बॉक्स में कमेंट कंटिन्यू करते रहें, मैं अभी चैट बॉक्स पे आकर देखता हूं। 20-21 लगता है चैट बॉक्स काम ही नहीं कर रहा, एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स का बेटा लिंक फिर से एक्टिवेट कर रहा हूं अपना लाइव बैच का। लाइव बैच का मैंने चैट बॉक्स फिर से एक्टिवेट करा है। अब प्लीज बेटा जो लाइव बैच वाले बच्चे हैं वो मुझे ग्रुप में रिप्लाई करेंगे, वो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अब रिप्लाई मेरे पास आ रहे हैं वहां पर, अब लाइव क्लास से मुझे रिप्लाई मिल रहे हैं। सर 20-21 एग्जैक्टली मैं यहां पर 20-21 की बात करूंगा। अगर क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट डेट वर्ड लिखा हुआ है बट ये नहीं पता कि करंट ईयर की बात करनी है या प्रीवियस ईयर की बात करनी है, तो बेटा बातें हमेशा करंट ईयर की होंगी, बातें हमेशा करंट ईयर की होंगी। दैट इज मैं बात करूंगा बैलेंस शीट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, बैलेंस शीट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। या तो लॉ में बात जो होगी वो क्लियर कट बोलेगा कि इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या तो वो क्लियर क्लियर बोलेगा इस वाली बात को। और लॉ में अगर ये वाली बातें नहीं है कि बैलेंस शीट डेट की बात कर रहा हूं बट कौन से साल की मुझे बैलेंस शीट देखनी है, तो वो हमेशा आपके करंट ईयर की होगी। और मेरे लिए करंट ईयर का मतलब यहां पर क्या होगा, बैलेंस शीट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट।
तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्लियर करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर देता हूं। बैलेंस शीट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। और हमारे वाले केस में कौन से फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे थे? सर हम वहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 की हम बात कर रहे थे, तो अकॉर्डिंगली बेटा मैं 31 मार्च 21 की बात करूंगा। और 31 मार्च 21 को पहली कंडीशन आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। अगर एग्जैक्टली 1 करोड़ भी है कंडीशन सेटिस्फाई है, एग्जैक्टली 1 करोड़ भी है कंडीशन सेटिस्फाई है, वो कह रहा है 1 करोड़ से ज्यादा का ना हो, यानी 1 करोड़ रुपए का हो या उससे कम का हो, लेकिन 1 करोड़ से अगर ऊपर हुआ 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, तब उस केस में आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। पहली कंडीशन में बच्चा क्या गलती कर सकता है? एक बच्चे के ना कहने के एक राइम कह सकते हो कि एक फिक्स होती है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बच्चे इस जगह पे फोकस कर लेना, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है, कोई फ्री रिजर्व नहीं है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस टोटल बता दे और उसमें से ये बता दे इसमें से फ्री रिजर्व इतने हैं, शायद एक छोटी सी मिस्टेक एग्जाम में आप ये कर जाओ कि आप वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस की बजाय केवल फ्री रिजर्व का पार्ट उठा लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंडीशंस जो हम कंपनी एक्ट में देखते हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व की होती है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस जो एक्ट में लॉ में प्रेस्क्राइब की गई हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व की होती है, तो शायद गलती एग्जाम में ये हो सकती है कि आप यहां पर फ्री रिजर्व की बात कर लो, मैंने एफ आर फ्री रिजर्व लिख के क्रॉस कर दिया, एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, गलती से भी केवल यह मत समझ लेना कि मुझे केवल पेड अप में इक्विटी उठानी है। क्या शेयर के अंदर प्रीफरेंस शेयर भी होते हैं या नहीं होते? हाँ सर, शेयर के अंदर तो प्रीफरेंस शेयर भी होते हैं, तो या तो क्लियर बोले कि इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर बोल रहा है वो पेड अप शेयर कैपिटल तो ये इंप्लाइड है बेटा कि मैं इसके अंदर इक्विटी एज वेल एज प्रीफरेंस दोनों को ही लेके चलूंगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल में आपके दोनों कैपिटल आएंगे, हालांकि ये वाली बात सारी नोट में अभी आपको देखने को मिल जाएंगी कि पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूं ये बताने का कि एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां ये हो सकती हैं, तो ना हो प्लीज शुरू से ही माइंड फ्रेम करते हुए चलेंगे कि मैं टोटल पेड अप शेयर कैपिटल की बात करूंगा और दूसरा मैं केवल फ्री रिजर्व की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे के पूरे रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूंगा 31 मार्च को उस फाइनेंशियल ईयर का जो आपका सब्जेक्ट टू ऑडिट है, वहां पर आपका इनका टोटल 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखिए, इस कंडीशन नंबर सेकंड में सिंबल अगर आपने यूज कर लिया तो गलती हो जाएगी, मैंने कहा सिंबल यूज नहीं करना, एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिख के आनी है नॉट मोर देन, क्योंकि इस जगह का जगह पर कंडीशन बी में अगर आपने सिंबल यूज कर लिया तो लैंग्वेज पूरी पलट जाएगी। पॉइंट ए में लैंग्वेज यूज कर लो या सिंबल लगा लो, लैंग्वेज सेम निकल के आएगी, नॉट मोर देन वाली बात सेटिस्फाई होगी, बट क्लॉज बी में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर सिंबल यूज कर लिया। सर समझ में नहीं आया, लेकिन कैसे होगा समझाता हूं, बच्चे थोड़ा धीरज रखो। टोटल बोरोइंग किससे? बैंक और एफआई से, केवल ये दो बोरोइंग उठानी है मुझे। टोटल बोरोइंग जो आपने बैंक से ली है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है, नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब देखिए क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। कंडीशन सेकंड, बोरोइंग्स किससे? बैंक से या एफआई से, नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़। At any
पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दी ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर विच फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट बोरिंग फ्रॉम बैंक और एफ आई नॉट मोर देन रुपीज 1 crore एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट. पहले इस कंडीशन को आप समझिए क्या कह रहा है कि आपकी बोरिंग जो आप बैंक से लेते हो या एफ आई से लेते हो 1 अप्रैल में 2021 के ऑडिट की बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक किसी भी समय 1 crore से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी जो आपका कंडीशन 1 था वो केवल बैलेंस शीट डेट पे आपको देखना था बैलेंस शीट डेट पर. लेकिन जो कंडीशन नंबर 2 है ये मैंने ए लिखा ये कंडीशन नंबर बी आया जो मेरी सेकंड कंडीशन है ये बैलेंस शीट डेट की नहीं है ये होल ईयर अराउंड की है होल फाइनेंशियल ईयर अराउंड के 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी समय आप 1 crore से ज्यादा का बेटा नहीं होना चाहिए. सपोज क्या होता है कि इन द मंथ ऑफ मे 10 मई 2020 को आपकी बोरोइंग सपोज 1.1 करोड़ की थी आपने कोई फंडिंग ले ली थी तो आपकी बोरोइंग जो हो गई थी टोटल बैंक या एफआई की मिलाते हुए ये 1.1 करोड़ रुपए की हो गई थी. लेकिन 31 मार्च 21 तक आते आते ये बोरोइंग 20 फॉर बोरोइंग ये जो आपकी बोरोइंग है वो 90 lakhs पे आके रुक गई है 90 lakhs पे आके. मुझे इतना प्लीज रिप्लाई कर दो कि कंडीशन बी सेटिस्फाइड दैट इज फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही. कंडीशन बी फुलफिल हुई या नहीं हुई. कंडीशन बी आपकी स्क्रीन पर है बोरोइंग फ्रॉम बैंक और एफ आई शुड नॉट बी मोर देन रुपीज 1 crore एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट. तो अगर मैं 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक के फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो 10 मई 2020 को मेरी बोरोइंग 1.1 करोड़ पर पहुंच गई थी. लेकिन 31 मार्च 20 तक आते आते मेरी बोरोइंग 90 lakh रुपए की है 90 lakh रुपए की. यह बताइए क्या कंडीशन बी सेटिस्फाई है या नहीं है. कंडीशन बी सेटिस्फाई है या नहीं है. रिप्लाई आया है मेरे पास नहीं हुई सर लेकिन ये चैट बॉक्स बेटा काम नहीं कर रहा. मैं फिर से इसको एक्टिव करता हूं. चैट बॉक्स में कल भी प्रॉब्लम थी. अब बच्चे प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना मेरे को. अब प्लीज रिप्लाई करना चैट बॉक्स में लाइव बैच वाले. सर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. चलिए फटाफट से बच्चे प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो. जल्दी से प्लीज रिप्लाई करिए. इस बीच में जरा जाके YouTube के दर्शन कर आता हूं कि वहां पे क्या कह रहे हैं बच्चे. क्योंकि कुछ बच्चे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं क्योंकि साल में पूरे टाइम बोरोइंग सर पब्लिक क्योंकि पूरे बोरोइंग 1 crore क्योंकि साल में पूरे टाइम बोरोइंग 1 crore नहीं रही. चलिए बाटली बॉय कह रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई है. कंडीशन सेटिस्फाई है ये. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है बेटा प्लीज ध्यान से आप देखो. इतना मतलब डीपली एनालाइज करने के बावजूद भी अगर आंसर गलत आते हैं तो इससे एक कहने की डीमोटिवेशन मिलती है. प्लीज ध्यान से रिप्लाई करिए. बोरोइंग बेटा पूरे साल भर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 crore से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. क्या बताइए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 मई 2020 को क्या आपकी बोरिंग 1 crore रुपए की लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गई थी या नहीं कर गई थी. कर गई थी बेटा. कंडीशन बी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुआ. कंडीशन बी इस जगह पर सेटिस्फाई नहीं हुआ. और कंडीशन बी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो बेटा उस केस में मैं बोलूंगा कि यहां पर कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. यहां पर कंडीशन बी बेटा सेटिस्फाई नहीं है बिकॉज मुझे सेकेंड वाली कंडीशन होल ईयर अराउंड देखनी होगी. 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मुझे कंडीशन को देखना होगा. अब देखिए अगर मैंने इस जगह पर सिंबल यूज कर लिया प्रॉब्लम क्या होगी. इस जगह पर मैंने अगर सिंबल यूज कर लिया तो प्रॉब्लम क्या होगी. मैं कहता हूं कि बोरोइंग
बैंक या FI से, सिंबल यूज करा आपने ये वाला नॉट मोर देन, नॉट मोर देन रुपीज 1 करोड़। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। अगर आप ऐसी कंडीशन लिख के आते हो, मतलब कि आपने लैंग्वेज को यूज ना करके, मैं हाईलाइट कर देता हूं बेटा इस पॉइंट को, कि मैं नॉट मोर देन इस वाले पॉइंट पर अगर आपने ये सिंबल यूज कर लिया, तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक और FI इक्वल टू और लेस देन रुपीज 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। जरा मुझे सोच समझ के बताना इस कंडीशन में क्या होगा कि ए प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर में 2021 की ही बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 20 को इसकी बोरोइंग 90 लाख की थी, 31 मार्च 21 को इसकी बोरोइंग 1.1 करोड़ की है। अब जरा अगर मैं ये बात इस सिंबल वाले पॉइंट में अप्लाई करूं, तो बताइएगी क्या आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 1 करोड़ रुपए या उससे नीचे थे? अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 1 करोड़ रुपए या उससे नीचे थे, तो बेटा यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, सिंबल में लिखने में और लैंग्वेज को लिखने में क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आपने इस जगह पर सिंबल अप्लाई कर दिया ये वाला, तो ये लैंग्वेज ये निकल के आ रही है कि आपकी बोरोइंग FI अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, पूरे साल भर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ रुपए या उससे कम की थी, 1 करोड़ रुपए या उससे कम की थी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मुझे पता है एक टाइम पर 1 अप्रैल 20 को मेरी बोरोइंग 90 लाख की थी, यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 1 करोड़ रुपए या उससे नीचे के थे? मुझे दिखाई दिया यस, 1 अप्रैल 2020 को मेरी जो लिमिट थी वो 90 लाख की थी और आप 1 करोड़ से नीचे के थे। तो उस केस में देखा जाए बेटा, कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो गई। आप लैंग्वेज यूज कर लो कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक और FI, ये कह रहा कि या तो इक्वल हो या कम हो, किससे? 1 करोड़ रुपए से। कब? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक टाइम पर मैं 1 करोड़ से नीचे आ गया था, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 1 करोड़ रुपए या उससे नीचे आ जाएंगे, तो कंडीशन बेटा सिंबल वाले केस में मुझे कंडीशन फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंबल लगाओगे ना, तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑल द टाइम्स, ऑल द टाइम्स, यानी कि हर समय, हर समय आप 1 करोड़ रुपए या उससे नीचे हैं, तो उस केस में कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 1 करोड़ रुपए की लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाएंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर आप सिंबल यूज करते हो, तो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी आपको यहां पर, ऑल द टाइम्स, हर समय, हर समय 1 करोड़ रुपए या उससे नीचे हो। बच्चा इतनी बारीकी को समझता नहीं है। अगर आपने सिंबल यूज कर लिया और नॉट मोर देन को रिप्लेस कर दिया इस जगह पर, केवल इतनी एरिया में, आपकी बेटा कंडीशन का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। पहले बोल रहा है कि आपके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो इसको बेटा मैं ये बोलूंगा, दैट इज हर समय, हर समय यानी कि एट ऑल टाइम्स, ऑल टाइम्स 1 करोड़ से कम हो। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, 1 CR से ज्यादा ना हो। तो इसका मतलब हर समय 1 करोड़ रुपए, हर समय 1 करोड़ रुपए या उससे कम हो, या उससे कम हो। बात तो सेम ही है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, इसका मतलब हर समय 1 करोड़ रुपए या उससे कम हो। तो अगर आप नॉट एक्सीडिंग बोल रहे हो, नॉट एक्सीडिंग, तो आप वर्ड यूज करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आप ये सिंबल लगा रहे हो तो बेटा फिर आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोलेंगे, फिर आप यहां पर क्या बोलेंगे, ऑल द टाइम्स। तो इसलिए मैंने कहा था एग्जाम में प्लीज सिंबल को अवॉइड कर देना जब आप कारों की बेटा बात कर रहे हो। यहां पर आप केवल किसकी बात करेंगे, मैं यहां पर केवल नॉट मोर देन वर्ड एग्जाम में लिख के आऊंगा। प्लीज बच्चे जो मैं बोल रहा हूं बताइए क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया। मैंने लिंक को दोबारा एक्टिवेट करा है, अब बच्चे प्लीज रिप्लाई कर देना। लाइव बैच वाले बच्चे प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्या ये सिंबल का और लैंग्वेज का एक फर्क आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। और नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं बेटा, इतनी बात मान लेना कि कारों पर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस केस में आप सिंबल यूज नहीं करेंगे, आप प्रॉपर लैंग्वेज लिख के आएंगे, नॉट मोर देन। फटाफट से बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है। डाउट है तो प्लीज बच्चे मेरे साथ आप डाउट डिस्कस कर लो, डाउट है तो बच्चे प्लीज आप उससे डाउट डिस्कस कर सकते हो। इतनी बारीकी वाली बात बच्चा पकड़ता नहीं है। अगर आप सिंबल यूज करते हो तो फिर आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोलेंगे, फिर आप ऑल द टाइम्स बोलेंगे। और ऑल द टाइम्स में एक दिक्कत ही आ जाएगी कि एग्जामिनर को शायद ये वाली बातें पता ना हो, एग्जामिनर सोचेगा कि यार वहां पर तो लिखा था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बच्चा लिख के आ रहा है ऑल द टाइम्स, कहीं ना कहीं आपने सिंबल यूज करके ऑल द टाइम्स लिखा है तो आपने कंडीशन को सही अप्लाई कर दिया। लेकिन एग्जामिनर को बेटा कॉपी चेक करने वाले को इतनी अकल नहीं है, वो अनपढ़ है बिल्कुल, उसको तो सामने जैसा लिखा हुआ है ना उसको वैसा ही आपका आंसर चाहिए। सामने लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप लिख के आ रहे हो ऑल द टाइम्स, प्रॉब्लम हो सकती है। 1% ही सही प्रॉब्लम के चांस है। तो जहां प्रॉब्लम के चांस है उस सिचुएशन को, कंडीशन को अवॉइड कर दो, सिंबल यूज नहीं करेंगे, लैंग्वेज लिख के आएंगे नॉट मोर देन, नॉट मोर देन। देख लीजिए ध्यान से, borrowing from bank FI not more than rupees 1 crore at any point of time during the financial year and the third condition is based upon total revenue as disclosed in schedule 3rd of the Companies Act including revenue from discontinued operation not more than rupees 10 crore during the financial year। aur jahan bhi ye during the financial aa raha hai, during the financial year implied hai beta, ab ye it is which is subject to audit, which is subject to audit, which is subject to audit। सी पॉइंट में एक कॉमन सी मिस्टेक जो कोई भी कर सकता है बच्चा, रिवेन्यू की जगह शायद एग्जाम में वर्ड यूज कर ले टर्नओवर। मुझे एक बार जरा बताओगे कि डिफरेंस क्या है, What is difference between revenue or turnover? तीसरी कंडीशन में बच्चा गलती यह करके आ सकता है कि वो शायद जल्दबाजी में रिवेन्यू की बजाय वर्ड यूज कर जाए टर्नओवर, और जब रिवेन्यू की बजाय आपने टर्नओवर वर्ड यूज कर लिया तीसरी कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। टोटल रिवेन्यू है, पहली कंडीशन में बच्चा जल्दबाजी में शायद रिजर्व एंड सरप्लस की जगह पर वर्ड यूज कर सकता है फ्री रिजर्व। याद रहे फ्री रिजर्व नहीं है नालायको, वहां पर क्या वर्ड है वो है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। हालांकि मैं अभी पूरा पोस्टमार्टम करूंगा कि पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है, बोरोइंग का मतलब क्या है, रिवेन्यू का मतलब क्या है, मैं बहुत डीपली इनके इन सारे टर्म्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिर भी चलिए छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं यहां पर कि रिवेन्यू में और टर्नओवर में क्या डिफरेंस है, क्या कोई बच्चा मुझे रिप्लाई कर सकता है। टर्नओवर मींस सेल, ओके, और रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू में क्या है, रिवेन्यू में आप क्या शामिल करेंगे, रिवेन्यू में आप क्या शामिल करेंगे, रिप्लाई करो। रिवेन्यू में आप क्या शामिल करेंगे, सर नहीं पता। रिवेन्यू एक वाइडर टर्म है, रिवेन्यू इज अ वाइडर टर्म देन द टर्नओवर। जब मैं रिवेन्यू की बात करता हूं तो उसमें बेटा आपके जो और भी अदर इनकम्स होती हैं, अदर इनकम होती हैं, वो भी आपके रिवेन्यू का पार्ट है। जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, आप सेल करके भी कमाते हो, आप अदर सोर्स से भी आप कमाते हो, जो भी आपका कमाई का जरिया है, जिस भी तरीके से आपकी कमाई हो रही है, ये सब क्या बनेगा, ये सब आपका रिवेन्यू बनेगा। तो रिवेन्यू के अंदर टर्नओवर शामिल है,
रिवेन्यू के अंदर टर्नओवर शामिल है, लेकिन केवल टर्नओवर ही नहीं, इसमें और भी आइटम शामिल हो जाएंगे, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपने कोई इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, रेंटल इनकम है, क्या वो भी रिवेन्यू वाली टर्म में शामिल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। गलती से बच्चे एग्जाम में आप केवल टर्नओवर वर्ड को मत उठा लेना, क्योंकि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा ना बहुत डीपली पूछ सकता है जाके, हालांकि इंटर लेवल पे इतना डीपली गया नहीं है, फाइनल लेवल पे भी एक दो बार गया है, लेकिन गया नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में इतना डीपली जाके आपसे केस स्टडी नहीं पूछ सकता। मुझे बना के देखिए एग्जामिनर, मैं इतने बच्चा देखेगा बोलेगा यार पेपर तो बहुत इजी था, पेपर तो बहुत इजी था, पता नहीं किसने इतना अच्छा पेपर सेट किया, मन करता है जिसने पेपर सेट किया उसके हाथों को चूम लूं, ऐसा मन में फीलिंग आएगी। लेकिन जब बाहर आके आप निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में से आके और बच्चों के साथ अपने फ्रेंड के साथ जब आप पेपर डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपनी कमियां फिर शायद दिखने को मिले कि हाँ यार पेपर तो बड़ा अच्छा सेट किया था, इतनी छोटी छोटी बातों पर घुमा दिया। टर्नओवर वर्ड नहीं है, रिवेन्यू वर्ड है। मुझे पता है कि देखो बच्चे की कमजोर कड़ी क्या है, बच्चा ना डीपली थोड़ा पढ़ता नहीं है, वो थोड़ा सा पढ़ता है कहता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन क्या क्या इफ एंड बट लग सकते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को बच्चा जनरली एनालाइज नहीं करता, जिस बात का फायदा एग्जामिनर उठाता है, उसे पता है कि बच्चा किस जगह पर गलती कर सकता है। तो रिवेन्यू एक वाइडर टर्म है, इसमें टर्नओवर तो आएगा ही आएगा, बट टर्नओवर के अलावा और भी कई सारी चीजें इसके अंदर बेटा आ जाती हैं। तो रिवेन्यू मींस टोटल इनकम, हाँ कह सकते हो बेटा, रिवेन्यू का मतलब टोटल इनकम, जिस भी तरीके से आप कमा रहे हो, चाहे वो टर्नओवर है, रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, कमीशन की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, सब कुछ रिवेन्यू में शामिल होगा। और रिवेन्यू मुझे कैसे उठाना है, बोले आप कंपनी हो, कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, सर शेड्यूल थर्ड एप्लीकेबल है। सर लेकिन बैंकिंग कंपनी में और इंश्योरेंस कंपनी में शेड्यूल थर्ड थोड़ी ना एप्लीकेबल होता, उनका तो एक अगला रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। हाँ तो बेटा अच्छी बात यह है ना, उन कंपनीज के ऊपर तो कारो भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो जिन कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है वहां पर शेड्यूल थर्ड की बात होंगी, जिन कंपनी में शेड्यूल थर्ड नहीं है ना वो कंपनी तो पहले ही कारो से क्या हो चुकी है, एग्जिट मार चुकी है। तो टोटल रिवेन्यू एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज दैट इंक्लूडिंग रिवेन्यू फ्रॉम डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन। अब ये रिवेन्यू फ्रॉम डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन क्या है, ये रिवेन्यू फ्रॉम डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन ये मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल सकता, रिवेन्यू फ्रॉम डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन, क्यों, इसके ऊपर ना AS 24 है, रिवेन्यू फ्रॉम डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन। और जब मैं फाइनल में था, सीए फाइनल में, मेरा ड्रीम था कि मैं अकाउंट के पेपर में 100 out of 100 का स्कोर करूं, हालांकि काफी कह सकते हैं एक डिफिकल्ट ड्रीम मैंने देखा था, लेकिन हाँ रियल फैक्ट बता रहा हूं बच्चे आपको, एक सपना था कि यार अकाउंट के पेपर में ना 100 out of 100 लेके आना है। ये ऐसा क्यों आया, बिकॉज मेरा फ्रेंड इंटर लेवल पर उस टाइम पर शायद P2 हुआ करता था, वो 87 लेके आया था और उस टाइम पर आई थिंक मेरे 72 आए थे। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि तू बड़ा अपने आप को घना होशियार समझता है, देख 87 लेके आया हूँ, तेरे से ज्यादा लेके आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा 87 लेके आया ना, देख फाइनल में पकड़ूंगा और फाइनल में 100 out of 100 लेके आऊंगा। तो अपने आप से ना एक मन में कमिटमेंट थी, मन को चैलेंज था कि अकाउंट के पेपर में 100 में 100 का स्कोर करूंगा। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में गया, ये बात है सन 2008 की मई 2008 में पेपर दिया था मैंने फाइनल का, और जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया और पेपर सामने आया, मेरे सामने पहला क्वेश्चन जो था वो AS 24 पे था, किसके ऊपर, डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन। और जिनसे हमने क्लास ली थी, काफी बड़ा नाम है अकाउंट का, समझ गए होंगे किससे क्लास ली थी, ठीक है, उन सर ने उस टाइम पर हमारे वाले बैच में AS 24 छोड़ दिया था, कहते हुए कि ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्लियर बोल दिया। और मैंने कहा जब सर बोल रहे हैं, अकाउंट के गुरु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा देखो उनका, लेकिन समझ गए होंगे कि मैं किस सर के लिए बात कर रहा हूं। तो उन्होंने हमारे वाले बैच में AS 24 छोड़ दिया था और उनका ब्लाइंड फेथ था कि सर ने कहा है नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा। और मैंने भी AS 24 तैयार नहीं किया था डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन पर, और पहला ही क्वेश्चन 5 नंबर का डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन है, तो सपना टूट गया। तो मैंने कोई बात नहीं, अब अटेम्प्ट मेरा 95 का रहेगा, तो 95 का अटेम्प्ट में मेरा जो स्कोर रहा था फाइनल में वो 91 का रहा था। तो ये कि बेटा अगर मैं बड़ा टारगेट सेट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट भी जो होगी, माना कि मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया लेकिन अचीवमेंट भी देखा जाए तो ये कम नहीं थी, लाइफ में हमेशा टारगेट बड़ा सेट करो। हाँ बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए फिर आप छोटे छोटे आप टारगेट सेट कर सकते हो, जैसे कि कोई वनडे मैच है तो 50 ओवर में आपको अच्छा स्कोर करना है
तो 50 ओवर एक बड़ा टारगेट है कि मुझे अल्टीमेटली 50 ओवर जब खत्म होंगे एक बड़ा स्कोर स्कोर बोर्ड पर दिखना चाहिए, बट छोटे छोटे टारगेट कि अगले 5 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले फिर अगले 5 ओवर कैसे खेलने हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए अपना बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए। तो एक बड़ा सोचोगे तो वैसा होता है, जैसा आप सोचते हो ना चीजें बिल्कुल वैसी होती है, बिल्कुल होती है। तो प्लीज बच्चे एक बड़ा ड्रीम करना सोचो, जैसा आप सोचोगे चीजें वैसी होती हुई आपको दिखाई देंगी। चलिए ये भी मैं काम भावनाओं में बह गया, जब भी मैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन देखता हूं ना मेरे को अपना बिल्कुल 2008 याद आ जाता है कि यार उस टाइम पे अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन करा होता शायद 95 प्लस का मेरा स्कोर रहा होता। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब क्या है। कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड 2021 में जो इसका टोटल टर्नओवर है या रिवेन्यू मैं बोल सकता हूं, चलिए टोटल टर्नओवर या टोटल रिवेन्यू 2021 में वो है 12 करोड़ का। इनके सपोज दो सेगमेंट हैं, 12 करोड़ का जो रिवेन्यू है बेसिकली कंपनी अपने दो प्रोडक्ट सेल करती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। इससे सेल इसकी 9 करोड़ की थी, इससे सेल इसकी 3 करोड़ की थी, टोटल सेल निकल के आती मेरी 12 करोड़ की। लेकिन कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से प्रोडक्ट बी को ड्रॉप कर रही है, कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से प्रोडक्ट बी को ड्रॉप कर रही है। तो जब कंपनी ऐसा कुछ काम करती है तो यूजर को डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए, यहां पर AS24 ये कहता है कि अगर आप अपना कोई रिवेन्यू अगले साल से ड्रॉप करने जा रहे हो तो यूजर को ना पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा रिवेन्यू है जो अगले साल से दिखाई नहीं देगा। तो 12 करोड़ अगर आपका प्रोडक्ट ए भी और प्रोडक्ट बी भी दोनों ही कंटिन्यू हैं तो उस केस में आप बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप ये बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹12 करोड़। अगर आप प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करने का नहीं सोच रहे तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो SPL होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वहां पर आप सिंपली बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹12 करोड़। लेकिन अगर यह होता है कि आप प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करने का सोच रहे हैं अगले साल से तो बोले उस केस में फिर आप यह बताएंगे रिवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन एंड रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। यहां बोलेंगे आप 9 करोड़ और यहां बोलेंगे आप 3 करोड़। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आपने केवल इस तरीके से लिखा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 करोड़ और अगले साल आप प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करने के लिए जा रहे हो तो यूजर तो यही उम्मीद करेगा, बेटा उसे नहीं पता कि प्रोडक्ट बी अगले साल से नहीं होगा, वो तो केवल ये देखेगा अच्छा 12 करोड़ है अगले साल टर्नओवर कंपनी का इससे ज्यादा दिखाई देगा, यानी वो सोचेगा शायद अगले साल 14 करोड़ का हो या 15 करोड़ रुपए का हो जो भी पीछे एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बताता हूं भाई देखो रिवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन 3 करोड़ है लेकिन ऐसा ऑपरेशन जो अगले साल से हम डिसकंटिन्यू करेंगे उससे साल का रिवेन्यू 3 करोड़ का है, यानी अगले साल आपको 3 करोड़ वाला रिवेन्यू देखने को नहीं मिलेगा, वो हम अगले साल डिसकंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैं जो ट्रेंड अप्लाई करूंगा कि अगले साल कंपनी का टर्नओवर कितना होगा वो ट्रेंड बेटा मैं इस बार 9 करोड़ पे अप्लाई करूंगा और सोचूंगा शायद अगले साल का टर्नओवर शायद 10 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास का हो। तो यूजर को यानी मैं कह सकता हूं कि मेरी रिपोर्टिंग में प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी हो, यूजर अपने एक इफेक्टिवली एक डिसीजन मेकिंग कर सकें तो जो अपना आप ऑपरेशन नेक्स्ट ईयर से डिसकंटिन्यू करने के लिए जा रहे हो इस साल फिर मुझे अपने SPL में अपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ब्रेकअप करके देना होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 करोड़ अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो अब आपका डिस्क्लोजर किया जाएगा SPL में रिवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन 9 करोड़ एंड रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ₹3 करोड़। इस तरीके से आप ये वाली बातें बोलेंगे। अब ये बताइए कि अगर सिचुएशन ये है, अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की निकल के आ रही है, ये बड़े चैट बॉक्स है ना बार बार लाइव क्लास का ना थोड़ी देर काम करता है फिर बंद हो जाता है, तो अच्छा रहेगा कि आप सब बच्चे मुझे अगर जो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है अगर वहां रिप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज 2-3 कमेंट आने के बाद पता नहीं क्यों इस चैट बॉक्स के 12 बज जाते हैं और ये चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा, कल भी इसने प्रॉब्लम की थी। तो प्लीज जो लाइव बैच वाले बच्चे हैं जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ऑडिट लाइव वाला मुझे आप बच्चे प्लीज वहां पर रिप्लाई करो, मैं इस चैट बॉक्स से एग्जिट मार रहा हूं और मुझे बच्चे प्लीज आप वहां पर रिप्लाई करिए लाइव बैच में। बफरिंग हो रही है, एक सेकंड, बफरिंग तो नहीं है,
बच्चे प्लीज बताइएगा बफरिंग है क्या? जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वही रिप्लाई कर दो जरा कि बफरिंग है क्या। जो बच्चे यूट्यूब पे लाइव हैं बच्चे प्लीज कंफर्म कर सकते हो कि क्या कोई बफरिंग का इश्यू हो रहा है क्या? वैसे मुझे बफरिंग दिखाई नहीं दे रही है, वैसे मुझे यहां पर बफरिंग दिखाई नहीं दे रही है। नहीं हो रहा बफरिंग, ठीक है ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि जब मैं कंडीशन नंबर थ्री देखता हूं अपनी, तो मुझे कंडीशन नंबर थ्री को बच्चे किस तरीके से देखना चाहिए। रिवेन्यू फ्रॉम, ये इसको मैं डिलीट करता हूं, आप केवल इतने पॉइंट पे प्लीज फोकस करना कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 की। रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन दिखाया मैंने 3 करोड़, रिवेन्यू फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन दिखाया मैंने, सॉरी रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन 9 करोड़, रिवेन्यू फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन रुपीज 3 करोड़, एंड टोटल रिवेन्यू मेरा है 12 करोड़ का। तो अब ये बताइए कि मुझे कौन सा रिवेन्यू उठाना चाहिए, कि क्या मैं टोटल 12 करोड़ को उठाऊं? सर ऑल इज गुड, सर नहीं हो रहा, ओके नहीं है सर, शाबाश। तो बच्चे मुझे प्लीज रिप्लाई करो कि मैं टोटल रिवेन्यू क्या लेके चलूं कारों की तीसरी कंडीशन को चेक करने के लिए। कारों की तीसरी कंडीशन को चेक करने के लिए मुझे कौन सा रिवेन्यू देखना चाहिए? दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि सर मुझे केवल 9 करोड़ देखना चाहिए, दैट इज ओनली रिवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, या फिर मुझे 12 करोड़ देखना चाहिए कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू बोथ। मुझे रिप्लाई कर सकते हो बच्चे, प्लीज रिप्लाई करिए मुझे कौन सा रिवेन्यू देखना चाहिए, 9 करोड़ रुपए या फिर 12 करोड़ रुपए, मुझे कौन सा रिवेन्यू देखना चाहिए? तो सर रिप्लाई है आया सर मेरे पास, सर हम 12 करोड़ को लेंगे, 12 करोड़ को बिल्कुल। अगर ये ना भी कहता बच्चे प्लीज इस बात को ध्यान से आप देखना, इस चीज को बच्चे प्लीज जरा आप ध्यान से देखिए कि जो इसने यहां पर ये वर्ड बोला कि आल्सो इंक्लूडिंग रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, अगर ये यहां पर लिखा हुआ भी नहीं होता, सपोज कि ये हाइड होता, मैं इसको हाइड करता हूं, चलिए मैंने इसको हाइड कर दिया, ये घटाया मैंने, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब मुझे बताइए कि अगर सपोज ये यहां पर होता ही नहीं, अगर ये यहां पर होता ही नहीं तो भी मुझे बताइए कि मैं अभी भी 9 करोड़ लेता या 12 करोड़ लेता? वैसे इन्होंने कंडीशन में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, बट अगर ये यहां पर लिखते भी नहीं, अगर ये यहां पर लिखते भी नहीं तो भी मुझे बताइए, तो भी मैं यहां पर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का रिवेन्यू शामिल करता नहीं करता? बिल्कुल करता, बिकॉज बेटा शुरू में क्लियर कह दिया था, शुरू में क्लियर कह दिया टोटल रिवेन्यू, और टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या बोले भाई, किसी भी तरीके का रिवेन्यू हो, चाहे वो कंटिन्यू से हो या वो डिसकंटिन्यू से हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन्होंने स्पेशली लिखा था तो मैं ले रहा हूं, नहीं, स्पेशली इन्होंने इसलिए लिखा ताकि बच्चे के मन में कोई इफ एंड बट वाली बातें ना हो। तो यहां पर इन्होंने भले ही लिख दिया था इंक्लूडिंग रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, बट अगर ये यहां पर लिखा हुआ भी नहीं होता तो ये ऑलरेडी इंप्लाइड था कि मैं टोटल रिवेन्यू जब लूंगा तो उसमें कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू दोनों को मिलाकर ही लूंगा, दोनों को मिलाकर ही लूंगा। तो ये 3 कंडीशन है बेटा आपकी। तो अगर मैं अल्टीमेटली बात करता हूं, सुनो फिर ध्यान से, मैं छोटा सा एक रिविजन दे रहा हूं आपको एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि कारो 16 की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो कहा कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द एक्ट, बट एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट बीइंग होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, सब्जेक्ट टू इफ ऑल द फॉलोइंग 3 conditions आर सेटिस्फाइड and condition are based upon paid up share capital and reserve and surplus, second condition is based upon borrowing and the third condition is based upon total revenue. Condition 1 is paid up share capital and reserve and surplus not more than rupees 1 crore as on the balance sheet date of the financial year which is subject to audit. Second condition is borrowing from bank or FI not more than rupees 1 crore at any point of time during the financial year which is subject to audit. And the condition number 3 is total revenue as per schedule 3 of the act including revenue from discontinued operation not more than rupees 10 crore during the financial year which is subject to audit, which is subject to audit. चलिए तीनों कंडीशन बेटा क्लियर हैं अभी है? इन तीनों कंडीशन में किसी के मन में इफ एंड डाउट हो,
इन तीनों कंडीशन में किसी के मन में इफ एंड डाउट हो तो बच्चे प्लीज मुझसे आप डिस्कस कर लो। इन तीनों कंडीशन में आपके मन में किसी के भी मन में इफ एंड बट हैं, डाउट हैं, लगा लीजिए, पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। आगे चलें? यस और नो? शैल आई प्रोसीड फर्दर? रिप्लाई करो, रिप्लाई करिए, क्या आगे मूव करूं? क्लियर है सर? क्लियर? जो भी लाइव बैच वाले बच्चे बेटा प्लीज ऑडिट लाइव वाले ग्रुप में ही मुझे रिप्लाई करो, चैट बॉक्स पे मैं नहीं देख रहा बिल्कुल भी। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है मुझे वहीं पर आप रिप्लाई करिए। 100% क्लियर है सर? शाबाश, 100% क्लियर है, याद भी हो गया, शाबाश, याद भी हो गया। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 16 द स्टेटस ऑफ कंपनी एज ऑन बैलेंस शीट डेट विल बी कंसिडर्ड। ये ऑलरेडी मैं आपको दो एग्जाम्पल दे चुका था, ठीक है? एक तो एग्जाम्पल था कि ईयर के बिगिनिंग में आप एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी थे, बट ईयर एंड तक आते आते आप सब्सिडरी कंपनी नहीं थे। एक एग्जाम्पल दिया था ईयर के बिगिनिंग में आप एनबीएफसी थे और ईयर एंड के आने पर आप बैंकिंग कंपनी थे। तो कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा इस बात को डिटरमाइन करने के लिए जो कंपनी का स्टेटस लिया जाएगा, स्टेटस वो एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट रहेगा, एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट रहेगा। चलिए एक कंडीशन रख रहा हूं आपके सामने, नोट टू आपको तब समझ में आएगा। देखिए गलत ले लिया, दूसरा कलर, कंपनी है ये जो आउटर सर्कल है ये बेसिकली कंपनी है ए लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। तो अब ये मत सोचना कि ये बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ भी नहीं कह रहा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ना तो ये बैंकिंग कंपनी है, ना इंश्योरेंस कंपनी, ना सेक्शन 8 कंपनी। ये एक पब्लिक कंपनी है जिसमें ऑडिटर, ऑडिटर है मिस्टर एक्स, ऑडिटर है मिस्टर एक्स। ये है इनकी सपोज एक दिल्ली ब्रांच, और दिल्ली ब्रांच के लिए क्या हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर 143 सबसेक्शन 8 डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे, 143 सबसेक्शन 8। क्या आप अपनी किसी ब्रांच के लिए सेपरेट ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो? सर एक बार रिवेन्यू रिवाइज करवा दीजिए, मेरा डिस्टर्ब हो गया था सुधीर जी, अभी करवा दूंगा, अभी रिवाइज करवा दूंगा, अभी मैं ये कंसेप्ट पूरा कर लूं उसके बाद में रिवेन्यू वाला पार्ट फिर से रिवाइज करवा दूंगा। तो दिल्ली ब्रांच में ऑडिटर हैं आपके मिस्टर वाई, किस सेक्शन में आए? 143 सबसेक्शन 8 में आए थे। और मिस्टर एक्स अगर एक सबसीक्वेंट ऑडिटर हैं, ये एंट्री इनकी 139 सबसेक्शन 1 से हुई है। हमें पता है कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सबसीक्वेंट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 1 से अपॉइंट होता है, और ब्रांच ऑडिटर के लिए, ब्रांच के लिए आप सेपरेट ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो 143 सबसेक्शन 8 से। बात यह कि चलिए एक्स जब रिपोर्ट करेगा, नो डाउट एक्स की रिपोर्टिंग पर कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है, बिकॉज ए लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी, सॉरी ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है तो कारो एप्लीकेबल है। बात यह आई कि वाई कारो एप्लीकेबल है या नहीं, दैट इज जब मिस्टर वाई दिल्ली ब्रांच के अकाउंट्स पर रिपोर्ट करेंगे तब क्या कारो की रिपोर्टिंग भी ऑडिट रिपोर्ट, एआर इज फॉर ऑडिट रिपोर्ट, कारो की रिपोर्टिंग भी ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे या नहीं? क्वेश्चन वाई के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है। एक्स नो डाउट एक्स की रिपोर्टिंग पे कारो एप्लीकेबल है, बात यहां पर वाई के ऊपर है। जब वाई दिल्ली ब्रांच के अकाउंट पर रिपोर्ट करेंगे तब क्या कारो की रिपोर्टिंग भी ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो, जल्दी से बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो। एक बार मैं पहले रिप्लाई रीड कर रहा हूं यहां पर आपके लाइव बैच के, उनके रिप्लाई एक बार जब सफिशियंट आ जाएंगे मेरे पास
तब मैं फिर रिप्लाई आपके YouTube पे जाके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई रीड कर लूंगा। जब मिस्टर वाई दिल्ली ब्रांच के अकाउंट पर रिपोर्ट करेंगे तब क्या कारों की रिपोर्टिंग भी ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से बच्चे प्लीज रिप्लाई करिए। जब मिस्टर वाई दिल्ली ब्रांच के अकाउंट पर रिपोर्ट करेंगे तब क्या कारों की रिपोर्टिंग भी ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे या नहीं करेंगे? रिप्लाई आने अब शुरू हुए हैं मेरे पास। सर हां, एप्लीकेबल होगा, करेंगे सर कवर। सर यस, वाई की रिपोर्टिंग पर भी कवर होगा। चलिए, काफी रिप्लाई है। अब एक बार जरा यूट्यूब पे जाकर देख लें वहां पर बच्चे क्या बोल रहे हैं। ब्रांच इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी सो कारो इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, ये बाटली बॉय जी का कहना है। मंजू कौशिक कह रही है सर वहां पर नहीं करेंगे। ज्योति चौधरी जी कह रही है यस सर करेंगे। अच्छा, मेरे पास एक बाटली बॉय ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, इसको मैं कवर कर लूंगा। और ब्रांच पर भी कारो एप्लीकेबल होगा, यस सर करेंगे। एक मैं आपको ना एक लॉजिक दे रहा हूं, उस लॉजिक को प्लीज ध्यान से आप सुनना, इस टॉपिक पे अप्लाई करना, फिर अपने आंसर को बेटा प्लीज चेक करना कि आपने आंसर सही दिया या गलत दिया। वाई अपनी ऑडिट रिपोर्ट कभी भी मेंबर्स को नहीं देता। वाई ब्रांच ऑडिटर है और ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट कभी भी मेंबर के पास नहीं है। वाई अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है किसको? सर ये देता है मिस्टर एक्स को, जो है कंपनी के ऑडिटर। और जब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है तब मिस्टर एक्स अपनी रिपोर्ट में उस रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट बनाते हुए डील करते हैं। यानी वाई की रिपोर्ट कभी भी डायरेक्टली टू दी मेंबर्स नहीं होती। ब्रांच ऑडिटर कभी भी मेंबर्स को रिपोर्टिंग नहीं करता, वो अपनी रिपोर्ट बना के सिंपली जो कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर है, मेन ऑडिटर है, जिसकी अपॉइंटमेंट 139 में हुई थी, अपनी रिपोर्ट वो उसको फॉरवर्ड करता है और एक्स अल्टीमेटली इसकी रिपोर्ट को यूज करते हुए मेंबर्स को रिपोर्ट करता है। यानी जब जब एक्स की रिपोर्टिंग आएगी वो किसकी रिपोर्टिंग पर डिपेंड करेगा? वाई की रिपोर्टिंग पर डिपेंड करेगा। हाँ, केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड की रिपोर्टिंग थी वो हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, वहां पर वाई सेपरेट रिपोर्टिंग कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड की रिपोर्टिंग। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं मेंबर्स की रिपोर्टिंग की बात करता हूं तो वाई की रिपोर्ट कभी भी मेंबर्स के पास नहीं है। और वाई की रिपोर्ट अगर मेंबर के पास नहीं है तो वाई रिपोर्ट करेगा एक्स को, एक्स इसकी रिपोर्ट को बनाते हुए डील करेगा, अपनी खुद की रिपोर्ट बनाते हुए डील करेगा और अल्टीमेटली रिपोर्ट वो मेंबर को करेगा। और इस बात को लेकर 143 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज नंबर सी में भी एक रिपोर्टिंग आती है, अगर याद हो। उसमें एक्स ये रिपोर्ट करता है कि क्या ब्रांच ऑडिटर से उसको रिपोर्ट मिली थी या नहीं मिली थी और कैसे उसने उसकी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट बनाते हुए डील किया था। तो सोचिए, अगर एक्स की रिपोर्टिंग वाई की रिपोर्टिंग पर डिपेंड करती है, तो क्या वाई को कारो की रिपोर्टिंग, लॉजिकली बात कर लो, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर एक्स की रिपोर्टिंग वाई की रिपोर्टिंग पर डिपेंड करती है तो क्या, एक लॉजिकली बात करें, अगर कंपनी पे कारो एप्लीकेबल हुआ तो उसके वो सारे के सारे ब्रांच ऑफिसेस जिनको सेपरेटली ऑडिट करवाया जाता है ब्रांच ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8, क्या उसके ऊपर भी कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? आंसर इज यस, बिल्कुल होगी। तो जो बच्चे बोल रहे थे ना सर ये सेपरेट एंटिटी नहीं है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, बेटा बिल्कुल वाई की रिपोर्टिंग पे कारो एप्लीकेबल है। अगर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है तो ब्रांच पर आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं निकालनी कि आप ब्रांच का रेवेन्यू देख रहे हो, आप ब्रांच की बोरिंग्स देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इफ कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंपनी देन इट विल ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन द ब्रांच ऑफिस ऑफ कंपनी। बट इफ कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनी then all the branch offices which are separately audited by branch auditor appointed under section 143 subsection 8, to uske upar bhi karo ki reporting requirement applicable hogi. answer is yes. bahut acha question hai exam mein, in the form of case study mcq ya correct or incorrect beta yahan pe examiner aapse attempt karwa sakta hai, bilkul karwa sakta hai. तो इफ कारो 16 इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी देन इट विल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन ऑल दोज ब्रांच ऑफिसेज ऑफ कंपनी विच आर सेपरेटली ऑडिटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8। अगर कंपनी पे कारो एप्लीकेबल हुआ
तो वो सारे के सारे ब्रांच ऑफिसेज जिनको सेपरेटली ऑडिट करवाया जाता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8, उसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखिए इसको, पहले 3 की मैं बात थोड़ी सी आपसे डिस्कस कर लेता हूं फिर रीडिंग में कवर करते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है। ए प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी कहां से आती है? 2 clause 85 से आती है, जहां पर पेड अप कैपिटल को लेके और टर्नओवर को लेके लिमिट दी गई है। जहां पर दोनों लिमिट को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप उस केस में क्या बन जाते हो? एक स्मॉल कंपनी बन जाते हो। तो ए प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है, लेकिन ए प्राइवेट लिमिटेड की जो बोरोइंग है, बोरोइंग वो सपोज 20 मई 2020 को, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं तो 2021 है, फाइनेंशियल ईयर 2021 है, और 20 मई 2020 को इसकी बोरोइंग वो सपोज 1.5 सीआर की पहुंच रही थी। तो ए प्राइवेट लिमिटेड जो बेसिकली एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी कौन से आती है? 2 clause 85 से आती है। दो कंडीशन वहां पर होती हैं, पेड अप कैपिटल के ऊपर बेस्ड होती है और वो टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी हैं और ये 31 मार्च 21 को एक स्मॉल कंपनी है। पेन थोड़ा हरकत कर रहा है। 31 मार्च 21 को एक स्मॉल कंपनी है, बिकॉज कारो एप्लीकेबल है या नहीं इसके लिए कंपनी का स्टेटस एज ऑन बैलेंस शीट डेट लिया जाएगा। तो मैंने एक और पॉइंट क्लियर कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूं, 31 मार्च 2021 को ए प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस जो है वो एक स्मॉल कंपनी का है। लेकिन मुझे पता है कि प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एक प्राइवेट सॉरी स्मॉल कंपनी बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी की कंडीशन में क्लियर लिखा हुआ है बेटा, कभी भी एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 clause 85 ऑफ द एक्ट। और वहां पे दो कंडीशन है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर के बेस पर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी थी, 31 मार्च 21 को ये स्मॉल कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह कि एक प्राइवेट कंपनी तो है, भले ही स्मॉल कंपनी है लेकिन क्या है, इन द नेचर ये प्राइवेट कंपनी है। और बोरोइंग 20 मई 2020 को 1.5 crore रुपए की थी, यानी कि कंडीशन नंबर बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैं कंडीशन ए और सी नहीं पता, चलो मैं कह रहा हूं ए पूरा है और सी भी पूरा है, बिकॉज स्मॉल कंपनी है तो ए और सी ऑब्वियसली बेटा पूरा होगा। बट बात आ रही है कि क्या यहां पर जो कंडीशन बी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे आप बताएंगे कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बेटा प्लीज फटाफट रिप्लाई कर दो, कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो? कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? ए प्राइवेट लिमिटेड जो 31 मार्च 2021 को एक स्मॉल कंपनी है बट उसकी बोरोइंग 20 मई 2020 को 1.5 crore रुपए की पहुंच रही थी, मुझे आप बताएंगे इस जगह पर कि क्या इस कंपनी पर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? या तो इतना कह दो सर समझ में नहीं आया, रिप्लाई करने में आप लेट नहीं करेंगे, सर नहीं होगा, ये कोई मुझे बच्चा यूट्यूब से देख के प्राइवेट मैसेज कर रहा है शायद, सर नहीं एप्लीकेबल होगा, चलिए नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर रिप्लाई थोड़े मेरे पास लेट आए, मतलब रिप्लाई 2 या 3 बच्चों के अभी तक मेरे पास आए, तो आई थिंक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट था। बैलेंस शीट डेट पे स्मॉल कंपनी है, परफेक्ट रिप्लाई है पुतुल कुमारी जी आपका, बिकॉज मुझे बैलेंस शीट डेट पे कंपनी का स्टेटस देखना है। अगर बैलेंस शीट डेट पे कंपनी का स्टेटस स्मॉल कंपनी का है, स्मॉल कंपनी का है, तो बेटा फिर उस केस में आप भले ही प्राइवेट कंपनी की किसी और कंडीशन में आप फॉल क्यों ना कर जाओ, उस केस में आप कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट रहेंगे, कारो एप्लीकेबल नहीं है, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। सर क्यों नहीं है? और भाई क्लियर बोल दिया, 31 मार्च 21 को आप क्या हो, स्मॉल कंपनी हो ना, बात खत्म,
बात खत्म। स्मॉल कंपनी अगर आप हैं तो इफ एंड बट वाली बात ही नहीं थी। 31 मार्च 21 को आप स्मॉल कंपनी हैं, इफ एंड बट वाली बात नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है। इन केस अ कंपनी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, इट विल रिमेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो इवन इफ इट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड फॉर प्राइवेट कंपनी। क्राइटेरिया मैंने बी पॉइंट का उठा लिया था, बोरिंग आपकी 1 करोड़ से ऊपर जा रही थी, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 31 मार्च 21 को अगर आप स्मॉल कंपनी हैं तो आप कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। एक अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है। नंबर 4 में कोई नई बात नहीं बोली है, केवल जितना अभी तक हमने पढ़ा है उन चीजों को लेकर केवल क्लैरिफिकेशन है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन ऑर्डर टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर मस्ट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। बात क्लियर है। मैंने दो टेस्ट की बात की थी, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। सबसे पहले यह देख लूंगा कि बैलेंस शीट डेट पर आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, अगर है कारो एप्लीकेबल है, अगर नहीं है टेस्ट 2 में चला जाऊंगा। और टेस्ट 2 में जाके मुझे क्या देखना है, क्या तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं? इफ आंसर इज यस, आप एग्जेम्प्ट हैं। बट कोई भी एक या उससे ज्यादा कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब टेस्ट 2 में आप फेल हो चुके हो और उस केस में कारो आपको पर एप्लीकेबल होगा। कंपनी के ऑडिटर को वो सारे मैटर रिपोर्ट करने होंगे, जैसा कि पैरा 3 एंड पैरा 4 में उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। फॉर Private limited company applicability of order shall be determined for every financial year separately. अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार private limited company पे ही order applicable हुआ तो हमेशा के लिए हुआ, या एक बार company बच गई तो हमेशा के लिए बच गई। नहीं, अगर आप एक private limited company हो तो उस केस में आपके ऊपर हर साल देखा जाएगा कि इस साल आपके ऊपर ऑर्डर एप्लीकेबल है या इस साल आपके ऊपर ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कारों की एप्लीकेबिलिटी हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सेपरेटली डिटरमाइन की जाएगी, सेपरेटली डिटरमाइन की जाएगी। पॉइंट क्लियर था? हां सर क्लियर था। अब एक प्रॉब्लम देखो क्या आएगी। सपोज की ए प्राइवेट लिमिटेड 17-18 में कारो एप्लीकेबल हुआ था तो मैटर रिपोर्ट हो गए थे, 18-19 में मुझे पता है कि हर साल सेपरेट देखना होगा, कारो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो मैटर्स भी रिपोर्ट नहीं हुए। फिर 19-20 में, 19-20 में फिर किसी मैटर को बेटा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई, कारो एप्लीकेबल हो गया। 20-21 में अगेन कारो एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो जो ए प्राइवेट लिमिटेड का यूजर होगा, जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा होगा, वो कहता होगा यार ऑडिटर कैसा है इसका, कभी तो ये कुछ कारो वगैरह रिपोर्ट करता है, कभी कुछ नहीं करता। मतलब कि उसको, जो यूजर है ए प्राइवेट लिमिटेड का, उसको कहने के मेरी परफॉर्मेंस पर डाउट हो रहा है कि यार कभी तो ऑडिटर कारो पर रिपोर्ट करता है, कभी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कारो के मैटर्स रिपोर्ट नहीं होते। कहता लगता है ऑडिटर अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता, कभी रिपोर्ट करता है कभी रिपोर्ट नहीं करता। जबकि मुझे पता है कि जब एप्लीकेबल होता है तब मैं रिपोर्ट करता हूं और जब एप्लीकेबल नहीं होता तो मैं रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये वाली बात मुझे पता है कि कंपनी पर कारो एप्लीकेबल है तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, और कारो एप्लीकेबल नहीं है जिस फाइनेंशियल ईयर में, मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये वाली बातें यूजर को पता नहीं होती। जिस साल आप रिपोर्ट नहीं कर रहे उस साल तो यूजर यही समझेगा कि ऑडिटर ने अंडर परफॉर्म किया है, जो ड्यूटी होती है रिपोर्टिंग को लेकर उसे सारे मैटर्स यहां पर रिपोर्ट नहीं किए, वो लास्ट ईयर आपने कुछ कारों के मैटर्स रिपोर्ट किए थे, इस साल आपने नहीं किए। मतलब फालतू में फ्री फंड में मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, अंडरमाइन की जा रही है। तो यहां पर आपकी कोई परफॉर्मेंस को अंडरमाइन ना करे, कारों की रिपोर्टिंग पे जो गाइडेंस नोट दिया था आईसीआई ने, गाइडेंस नोट किसने इशू किया होगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द आईसीआई। तो वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑडिट कर रहे हैं और वहां पर कारो एप्लीकेबल नहीं है, ये फैक्ट आप रिपोर्ट में लिखेंगे कि कंपनी पर कारो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी रिपोर्टिंग से क्या हो जाएगा, यूजर की निगाहों में जो आपकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन हो रही थी, अब वो अदरवाइज बेटा वो अंडरमाइन नहीं होगी। तो जब जब कारो एप्लीकेबल है मैटर को आप रिपोर्ट करिए, और जब जब कारो एप्लीकेबल नहीं है तो ये वाला फैक्ट आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करिए
कि इस साल कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है तो कारो के मैटर्स रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये वाली बात पक्का 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 आप रिपोर्ट में लिख के आइए ताकि यूजर आपकी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन ना करे, आपकी परफॉर्मेंस को बेटा वो क्वेश्चन मार्क ना लगाए। तो क्या लिखा है देखिए यहां से कि इफ कारो 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट दिस फैक्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आप ऑडिट कर रहे हो और वहां पर कारो एप्लीकेबल नहीं हुआ है तो आपको ये वाली बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी होगी। इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी आपकी रिपोर्टिंग को लेकर। क्लियर है सब? चलिए एक चीज बताइए, 143 सबसेक्शन 3 डिस्कस किया था हमने क्लास के अंदर, टोटल 9+3 12 मैटर थे और एक हमने 143 सबसेक्शन 1 डिस्कस किया था। पहले सबसेक्शन 1 से लिंक लेते हैं। सबसेक्शन 1 में 6 प्रोप्रायटी मैटर्स पे आप इंक्वायरी करते हो, बट रिपोर्टिंग को लेकर सबसेक्शन 1 साइलेंट था। आईसीआई की रिसर्च कमेटी ने कहा था, बोले ठीक है इंक्वायरी करके कमेंट पॉजिटिव बनता है तो ड्रॉप कर देना, और इंक्वायरी करके कमेंट अगर आपका एक नेगेटिव कमेंट बनता है, मॉडिफाइड कमेंट बनता है, इस बात को आप रिपोर्ट में लेके आ जाइए। 143 सबसेक्शन 3 में जो 9+3 टोटल 12 मैटर थे, वहां पर आपको रिपोर्टिंग हमेशा करनी थी, हमेशा, चाहे कमेंट आपका फेवरेबल हो चाहे कमेंट आपका मॉडिफाइड हो। यानी फेवरेबल कमेंट है तो भी आप रिपोर्ट करो, मॉडिफाइड कमेंट है तो भी आप रिपोर्ट करो। हाँ, कोई मैटर अगर एप्लीकेबल नहीं था उसको आप ड्रॉप कर रहे थे, यानी उस पर आप कोई ओपिनियन या कमेंट नहीं कर रहे थे, यही हुआ था। अब बताइए सर, कारो के पैरा 3 में टोटल 16 मैटर है, 16 मैटर, मैं इनकी रिपोर्टिंग कब करूं? अगर कमेंट मेरा केवल नेगेटिव बनता है तभी करूं, या कमेंट मेरा कोई सा भी हो चाहे वो फेवरेबल हो या वो अनफेवरेबल हो, रिपोर्टिंग आपको हमेशा करनी होगी। जैसे रिपोर्टिंग आप 143 सबसेक्शन 3 में करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से आप यहां रिपोर्ट करेंगे, यानी कारों के जो 16 मैटर जो पैरा 3 में आपको बताए गए हैं उस पर कमेंट चाहे आपका फेवरेबल है या कमेंट आपका अनफेवरेबल है, कुछ भी है, रिपोर्टिंग आपको हमेशा करनी होगी। और अगर अनफेवरेबल कमेंट आया किसी पॉइंट पर तो पैरा 4 ने क्लियर कहा है, उसका रीजन भी आपको रिपोर्ट में देना होगा। नंबर 7 और 8 देखिए, रिपोर्टिंग ऑन मैटर्स कवर्ड अंडर कारो इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इफ मैटर इज एप्लीकेबल, बिकॉज मैटर ही एप्लीकेबल नहीं है क्लाइंट के ऊपर तो उस केस में कोई कमेंट या ओपिनियन आपकी बनती नहीं है। वेदर देयर इज फेवरेबल कमेंट और अनफेवरेबल कमेंट बाय द ऑडिटर, एंड जस्ट लाइक 143 सबसेक्शन 3 आप यहां पर रिपोर्टिंग करेंगे। एंड इफ देयर इज एनी अनफेवरेबल कमेंट बाय ऑडिटर और ऑडिटर इज अनेबल टू कमेंट ऑन एनी मैटर देन ऑडिटर शैल प्रोवाइड दिस फैक्ट along with reason in his report as per the requirement of para 4 of the order. तो para 4 में basically कोई matter नहीं है, but para 4 ये कहता है कि जब आपने para 3 के matter पे report कर रहे थे, comment आपका unfavorable है यानी modified है, या para 3 के किसी matter पर आप कोई comment, opinion, report नहीं कर पा रहे, उस बात का reason भी आपको अपनी report में देना होगा। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। मैंने एक पॉइंट जो पैरा 2 के साथ एक पॉइंट लिखा हुआ था उसे मैंने क्रॉस किया था, वो आज की क्लास में हम कवर नहीं कर पाएंगे, आप तो शायद भूल भी गए हो, बट देखो मैंने पैरा नंबर 2 में एक पॉइंट क्रॉस किया था, इसे कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो कल की क्लास में सबसे पहले मैं वही क्रॉस वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैंने कहा था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले केस में कुछ टर्म यूज की गई, जस्ट लाइक पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बोरिंग्स में किस नेचर की हम बोरिंग्स उठाएंगे, रिवेन्यू में क्या हमें लेना है क्या हमें नहीं लेना, पहले इन सारी टर्म्स का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि हाँ कारों की एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट हमारा पूरा हुआ, और उसके बाद फिर कारों में कौन कौन से मैटर्स हमें रिपोर्ट करने होते हैं वो एक एक करके कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही, उम्मीद कर रहा हूं कि जितना सेशन आज आपने देखा था कारों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि कारो है क्या, ये किसने इश्यू किया था, किसने ऐसा ऑर्डर इश्यू करने की उनको पावर दी थी, कारो में टोटल कितने पैराग्राफ हैं, पैरा 1 किस में डील करता है, पैरा 2 किस में डील करता है, पैरा 3 किस में डील करता है, पैरा 4 किस में डील करता है, ऑर्डर का नाम क्या है, किस फाइनेंशियल ईयर से कमेंसमेंट में आया था, इसकी एप्लीकेबिलिटी, तो पैरा 1 में पूरा कर चुका हूं आपके साथ देखा जाए तो। बस एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है कि एप्लीकेबिलिटी को लेकर जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले केस में कुछ टर्म्स देखी थी मुझे वो डिस्कस करनी है। पैरा 2 ऑलमोस्ट क्लियर है कि जैसा पैरा 3 में रिपोर्ट करने के लिए कहा, जैसा पैरा 4 में रिपोर्ट करने के लिए कहा आप वैसा रिपोर्ट कर दो, बट पैरा 2 का मैंने एक पॉइंट क्रॉस कर दिया था, कल की क्लास में आते ही पहले वो डिस्कस करूंगा। पैरा 3 में 16 मैटर हैं जो कल की क्लास का हमारा एक मेन टारगेट रहेगा, उन 16 मैटर्स की रिपोर्टिंग को समझना। और पैरा 4 क्लियर है,
कि पैरा थ्री में जो मैटर है उन पे आप किसी मैटर पे कमेंट नहीं कर पा रहे हो, यह कमेंट आपका मॉडिफाइड है, अनफेवरेबल है, तो उसका रीजन भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। तो कल की क्लास का क्या मुद्दा रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं बेटा कल के सेशन में, कल के सेशन में 7:30 बजे में सेशन आपका स्टार्ट कर दूंगा। प्लीज जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं नालायक को, प्लीज टाइम से जाग जाया करो, टाइम से सेशन को आप ज्वाइन कर लिया करो। जिन बच्चों ने यूट्यूब पे देखा था उनके मन में एक उत्सुकता शायद ये होगी, सर क्या ये सेशन कल भी हमारा यूट्यूब पर लाइव रहेगा? तो हाँ, मैं कारो 16 का पूरा प्रोविजन यूट्यूब पर लाइव कर रहा हूँ। कारो 16 पूरा सिलेबस थोड़ी करूंगा, लेकिन हाँ कारो 16, बिकॉज बच्चों के मन में कारो को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं, तो मुझे अलग से YouTube के लिए रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े और लाइव क्लास का एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है कि लाइव क्लास में कवरेज या डेप्थ थोड़ी सी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं आज की क्लास को YouTube पर लाइव कर दूंगा। कल की भी जो क्लास रहेगी हमारी वो YouTube पर बेटा लाइव रहेगी। तो जिन्होंने आज YouTube पर देखा है, कल बच्चे प्लीज 7 बजे आप आके सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा कल मिलते हैं 7:00 बजे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शेयरिंग, बाय बाय।